से आप क्या हाल चाल आपके बच्चों आज एक बहुत ही प्यारा बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट पता नहीं इस चैप्टर में बच्चे क्यों परेशान होते हैं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा आज की क्लास के बाद आपको क्या दिखेगा कि इससे सिंपल कोई चैप्टर आपके लिए होता ही नहीं है आइए शुरुआत करते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है क्या सुनिए मेरे साथ मैं आपको पहले इसका मीनिंग समझा रहा हूं देखो एक आदमी है मिस्टर पी मिस्टर पी ये दिल्ली में रहता है बच्चे दिल्ली में और दिल्ली में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है ये अच्छा एक बिजनेसमैन है जो कि दिल्ली में अच्छा बिजनेस कर रहा है ये चाहता है कि अपने बिजनेस को ना मुंबई में भी फैलाए मतलब एक्सपेंशन चाहता है और भी कस्टमर से गुड्स बेचना चाहता है पी के पास मुंबई में गुड्स को बेचने के हजारों तरीके हैं अपने बिजनेस को मुंबई में भी एक्सपेंड करने के बहुत सारे तरीके मेरे बच्चे उन बहुत सारे तरीके में एक तरीका है जिसमें मिस्टर पी क्या करेगा मुंबई में एक आदमी को अपॉइंट करेगा मान लो उस आदमी का नाम है मिस्टर ए, उसका नाम है मिस्टर ए पी कहता है मिस्टर ए को देखो मैं यहां पे बन जाता हूं प्रिंसिपल मैं बन जाता हूं प्रिंसिपल और आप बन जाओ मेरे यहां पे एजेंट आप बन जाओ यहाँ पे क्या जी मेरे एजेंट आप मेरे एजेंट का मतलब क्या जो मेरे भी पे काम करेगा यही तो बोलते हैं एजेंट जानते हो इस बात को ना पी ने कहा कि देखो मैं बन जाता हूँ प्रिंसिपल आप बन जाओ मेरे एजेंट मैं यहाँ से क्या करूँगा गुड्स को परचेज करूँगा मैं परचेज करूँगा मैं मतलब कौन जी पी आपको चिंता नहीं करना मैं गुड्स परचेज करूँगा और इन गुड्स को मैं आपको दूंगा आप क्या करो उन गुड्स को मेरे बिहार मैं प्रिंसिपल हूं आप सिर्फ मेरे एजेंट हो तो जो गुड्स मैंने परचेज करके आपको दिया आपने क्या करना उस गुड्स को म... अपने मार्केट में आप मेरे बिहार क्या करो सेल करो मेरे बिहार सेल करो है ना मैं मैं ऑनर हूं आप मेरे एजेंट हो गुड्स में परचेज करूंगा आपको दूंगा आप, आप इन गुड्स को क्या करो जी मार्केट में बेचो गुड्स को बेचकर जो भी पैसे आएंगे ना जो भी पैसे आएंगे वो सारे पैसे आप क्या करोगे मुझे दे दोगे अपने पास मत रखना क्यों क्योंकि आप मेरे एजेंट हो आप मेरे बिहार पे सेल कर रहे हो मेरे गुड्स को बेच रहे हो तो बेच के जो भी पैसा आएगा वो सब मुझे देना आप यही नहीं जब गुड्स को आप सेल करोगे ना तो कई तरीके के यहाँ पे एक्सपेंसिज आपको इनकर्ड करना पड़ेगा जैसे कि एडवर्टिजमेंट कराना पड़ेगा जैसे कि आपने कोई शोरूम हायर किया तो रेंट पे करना पड़ेगा कुछ सैलरी एम्प्लॉय को पे करना होगा जिस इंप्लॉय को आपने रखा होगा सेल करने के लिए बहुत सारे खर्चे करने होंगे आप चिंता नहीं करना जो भी एक्सपेंसिज गुड्स को सेल करने पर आप करोगे वो सारे एक्सपेंसिज मैं बियर करूंगा आपको नहीं बियर करना आप तो बस एक मेरे एजेंट हो सेल करके जो पैसा आएगा वो भी मेरा पैसा होगा एक्सपेंसिस जो आप इनकर्ड करोगे उसका भी पैसा मैं आपको दे दूंगा एजेंट ने कहा ए ने कहा कि ठीक है जी आप क्या करोगे कि जो गुड्स मुझे दोगे उसका सेल जो भी होगा वो पैसा आप ले लोगे एक्सपेंसेस जो इनकट होगा ठीक है आपने कहा कि मैं भी करूंगा वो आपको करना ही करना क्योंकि आप आ, उसके मालिक हो आप उसको देखो लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं मुझे भी तो कुछ चाहिए तो मेरे बच्चे पी ने कहा कि एजेंट आपको इस काम के बदले में अलग से मैं आपको कमीशन पे करूंगा अलग से मैं आपको कमीशन पे करूंगा है ना ये भी तो काम कर रहा है बच्चे गुड्स को बेच के जो पैसा आएगा वो भी आपका एक्सपेंसिज माना जो हमने इनकर्ड किया वो आप भी करोगे लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आया मुझे क्या मिलेगा हमने कहा कि आपको कमीशन दूंगा अलग सब चिंता नहीं करो मेरे प्यारे बच्चों जब भी दो आदमी के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट होगा जिस रिलेशनशिप में एक आदमी प्रिंसिपल होगा और दूसरा आदमी आपका एजेंट होगा इस रिलेशनशिप में जो गुड्स आपको भेजा गया ना बेचने के लिए इसी गुड्स को हम यहां पे क्या बोलेंगे कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि एक जो प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को गुड्स दिया बेचने के लिए उस गुड्स की जो आपका जो गुड्स होगा मेरे बच्चे हम उसको कंसाइनमेंट कहेंगे और इस की जो अकाउंटिंग होगी ना उसी को हम बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग मतलब ये जो गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा होगा कंसाइनी ने सेल किया होगा कुछ खर्चे किए होंगे बहुत सारी बातें भी आने वाली है उनका जो अकाउंटिंग यानी कि रिकॉर्डिंग कैसे होगा उन्ही बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो आपका प्रिंसिपल है ना बच्चे ये जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल है इस को हम इस चैप्टर में कंसाइनर के नाम से जानेंगे कंसाइनर यानी कि जब भी मैं आपको कंसाइनर बोलूंगा यानी कि मैं मिस्टर पी यानी कि तो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं और मेरे बच्चे ये जो एजेंट है ना इस एजेंट को इस चैप्टर में हम लोग कंसाइनी के नाम से जानते हैं कंसाइनी कंसाइनी है ना कंसाइनर यानी कि प्रिंसिपल कंसाइनी यानी कि आपका एजेंट इतनी सी तो बात है आप समझे ना मैंने क्या बताया कि अगर मान लो कोई आज के बाद आप घर से बाहर निकले कोई दोस्त कोई रिलेटिव कोई आपका परिचित मिल गया और उसने पूछा कि कंसाइनमेंट क्या है तो आप कहना कि कंसाइनमेंट का मतलब कि जिस गुड्स को कंसाइनर ने कंसाइनर ने जिस गुड्स को प्रिंसिपल ने यानी कि कंसाइनर ने कंसाइनी को दिया है सेल करने के लिए उस गुड्स को हम क्या बोलेंगे कंसाइनमेंट और इस चैप्टर में इस कंसाइनमेंट पे जो आपके एक्सपेंसिज रेवेन्यू इनकम जो होंगे उनकी अकाउंटिंग कैसे होगा वो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे यहां मेरे बच्चे जो प्रिंसिपल है उसको हम क्या नाम देते हैं कंसाइनर और जो एजेंट है हम उसको क्या नाम देते हैं आपका कंसाइनी तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वहां पे हम नाम यूज क्या करेंगे कंसाइनर कंसाइनी कंसाइनर प्रिंसिपल है कंसाइनी आपका एजेंट है कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर सवाल उठता है कि आखिर इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं। और क्या मोटिव है तो मेरे बच्चे पहले बता दूं आप लिखिए इसकी कॉपी कर लिया होगा ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले लिख लो अदरवाइज बाद में रिवीजन में कहीं दिक्कत ना हो है ना इसकी कॉपी कर लीजिए आप अब मैं आगे बढ़ता हूं आप लिखेंगे मेरे साथ इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है तो मेरे बच्चे आप लिखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है टॉपिक्स टू बी कवर्ड पता है, इस चैप्टर को मैंने यहाँ पे आपके लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है पहला टॉपिक आपका फर्स्ट टॉपिक लिखेंगे साथ सात लिखेंगे आगे पीछे नहीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहला टॉपिक आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर इन द बुक ऑफ कंसाइनर इस चैप्टर की जो भी थ्योरी है जो भी प्रैक्टिकल है अपने आप हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा है ना आपको चिंता नहीं करना पहला जो टॉपिक से पढ़ना बच्चे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर कंसाइनर किसको बोलते हैं प्रिंसिपल को तो ये जो कंसाइनमेंट की जो बातें होंगी उसको प्रिंसिपल के बुक में अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा वो स्टडी करेंगे और सेकेंड पार्ट में हमारा टॉपिक होगा बच्चे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ कंसाइनी इन द बुक ऑफ कंसाइनी इन द बुक ऑफ कंसाइनी कंसाइनी किसको हमने बोला था बताइए कंसाइनी कौन था सर एजेंट कि एजेंट जो है जिसने गुड्स रिसीव किया है है ना टू सेल ऑन द बेसिस ऑफ आपका कंसाइनमेंट तो वो गुड्स की अकाउंटिंग कंसाइनी के बुक में कैसे होगा उसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे चलिए आज मैं पहले आपको फर्स्ट यानी कि इसके बारे में आपको समझाता हूँ तो आप तो इसके नीचे ही बट मैं नया पेज लूंगा और अच्छा होगा कि आप भी इस पेज को छोड़ दो क्योंकि इस पे आपने पिछला वाला और ये लिखा होगा मैं नया पेज लूंगा आप भी मेरे साथ नया पेज लो ना और नए पेज में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम शुरू कर रहे हैं अब यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ इन द बुक ऑफ इन द बुक ऑफ पहले हम किसका देख रहे हैं जी कंसाइनर का पहले हम कंसाइनर पे मास्टरी करेंगे और फिर हम कंसाइनी के बुक पे मास्टरी करेंगे है ना कंसाइनर कौन है प्रिंसिपल है अब मैं इसको प्रिंसिपल बोलूं या ना बोलूं आपके दिमाग में बैठ जाए कि जब भी सर कंसाइनर का नाम ले रहे हैं तो प्रिंसिपल यानी कि उस मालिक का नाम ले रहे हैं जिसने गुड्स को भेजा है उसके बुक में अकाउंटिंग प्रोफेश मैं चाहता हूं ना कि यहां पे कंसाइनमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं कौन कौन सी बातें जो पॉसिबिलिटी है उनको मैं एक डायग्राम से पहले आपको समझाऊं तो मैं ना यहाँ पे आपके लिए रेडी कर रहा हूं कॉन्सेप्ट लिखिए मेरे साथ बिल्डिंग 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 क्वेश्चन क्वेश्चन है ना आपके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कुछ आपके दिमाग में ना इमेजिनेशन क्रिएट करना चाहता हूं और वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कुछ इस तरीके का डायग्राम में दिखाऊंगा ना कि मैं लैंग्वेज में दिखाऊंगा लैंग्वेज में बुक में क्वेश्चंस भरे पड़े हैं मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ फिर बच्चे ये जो है ना मिस्टर पी आप समझ गए पी का मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ जी ये हमारा कंसाइनर है है ना ये हमारा कंसाइनर है पी यानी कि प्रिंसिपल कंसाइनर लिख देना आप यहाँ पे ठीक है ना देखो इसने क्या क्या इसने क्या क्या रुपीज सिक्स लैख रुपीज के छः लाख रुपए के इसने गुड्स जो है गुड्स सेंड किया सेंट टू मिस्टर ए मिस्टर ए मतलब पी जो कि प्रिंसिपल है मेरे बच्चे इसने के गुड्स को भेजा ए यानी कि एजेंट के पास और ये रहा मेरा क्या यहाँ पे मिस्टर मिस्टर ए ए रहा uh, A, जो कि हमारा यहां पे क्या है एजेंट है आपका एजेंट ठीक है ना तो ये हमने क्या किया गुड्स छ लाख का भेजा देखो जब कंसाइनर कंसाइनर जो कि दिल्ली में है और कंसाइनी मेरे बच्चे मान लो आपका मुंबई में है तो इसमें कोई डाउट ना हो कि जब कंसाइनर गुड्स कंसाइनी के पास भेजेगा तो रास्ते में ये जो गुड्स आपका जाएगा ना बच्चे इस रास्ते से इस रास्ते में कई सारे खर्च भी होंगे जैसे कि कंसाइनर ने क्या किया इस गुड्स को जिस ट्रक पे लोड करके गुड्स भेजा होगा उस ट्रक को क्या पे किया होगा उसने फ्रेड पे किया होगा भाड़ा पे करूंगा ना अरे गुड्स जब कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा तो जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा मेरे बच्चे तो रास्ते का भाड़ा भी तो पे करना होगा ऐसा तो नहीं होगा ना कि दिल्ली में हमने गुड्स को परचेज किया और उसको यहां से फेंका और फ्री में चला गया मुंबई में उसको तो भाड़ा पे करूंगा ना जिस ट्रक वाले को हमने हायर किया होगा तो फ्रेट मान लो यहां पे हमने पे किया कंसाइनर को डर लगा कि कहीं गुड्स रास्ते में लॉस ना हो जाए एक्सीडेंट ना हो जाए और इसलिए कंसाइनर ने क्या किया रास्ते का करा दिया मेरे बच्चे इंश्योरेंस इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में मान लो थर्टी थाउजेंड और खर्च हो गया ना ये थर्टी थाउजेंड ये जो एक्सपेंसिज है आपको भी मेरे साथ लिखना है और याद रखना क्वेश्चन को साथ में लिखाने का मतलब है कि आप बातें आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से बैठ जाए ये जो फ्रेट है और ये जो इंश्योरेंस है ये पेड बाई ये किसने पे किया जी गुड्स भेजने पे पेड बाई मिस्टर पी मिस्टर पी का मतलब क्या कंसाइनर मैं लिख दूँ क्या ताकि बाद में रिविजन में आपको दिक्कत ना हो पी का मतलब यहाँ पे मैं कंसाइनर की बात कर रहा हूँ कंसाइनर आपका और ए का मतलब यहाँ पे क्या है जी हमारा कंसाइनी है कल को आप मुझसे झगड़ा ना करो कि सर पी का मतलब क्या हमेशा कंसाइनर ही होगा तो नहीं बदमाश यहां पे मैंने बस डिलोड किया नाम देके तो देखो सिक्स लैक्स का आपने गुड्स परचेज किया भेजा आपने कंसाइनी के पास तो जब रास्ते में भेजा तो आपको दो खर्चे हो गए और भी कई सारे खर्चे होंगे हम क्वेश्चन में बाद में देखेंगे फिलहाल दो खर्चे हुए गुड्स अपने बच्चे चला 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 और कंसाइनी के पास पहुंच गया जब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचा तो अब देखो इस गुड्स को सेल करने में आपने भी तो खर्च किया होगा जैसे की कंसाइनी कहता है कि देखो जी मैंने यहाँ पे जो मेरा शोरूम है ना उस शोरूम का हमने रेंट पे किया मान लो कहता है कि ट्वेल्व थाउजेंड का आप भी साथ साथ बनाओ ना अच्छा लगेगा देखो इसके भी अच्छा चेहरा दिख रहा है इसका बस एक नाक बना के मुंह भी बना देना थोड़ा कान भी बना देना ताकि लगे कि इंसान है भगवान मतलब कि समझ गए ना मेरी बात तो रेंट इसने क्या किया ट्वेल्व पे किया मेरे बच्चे एडवर्टीजमेंट ए वी ए डी वी शॉर्ट में एडवर्टीजमेंट मान लो यहाँ पे कहता है कि आपका एट थाउजेंड रूप जिसने एट पे खर्च किया एट आपका ठीक है ना और कुछ एम्प्लॉय भी इसने रखा था गुड्स को सेल करने पे जो काम कर रहे हैं उनको मान लो इन्होंने क्या किया जी होगा पे पे कि तो ना तो मैं लिख देता हूं पेड बाई पेड बाई ए है ना कंसाइनी ने पे किया ये अलग बात है कि ये खर्चे जितने भी कंसाइनी करेगा एजेंट करेगा उन सारे खर्चों को आपने बियर करना है बट खर्च तो अभी आपने नहीं किया जी अकाउंटिंग कैसे होगा उसको बाद में देखेंगे मेरे बच्चे कंसाइनिक ने क्या किया ये जितने भी गुड्स हैं ऑल गुड्स जितने भी गुड्स हैं ऑल गुड्स कहता है कि सोल्ड उसने सोल्ड कर दिया सोल्ड फॉर रुपीस आपको गुड्स कितने गए हैं सिक्स लैक्स का मान लो कहता है कि टेन लैक्स में सेल कर दिया दस लाख में सारे गुड्स बेच दिए सारे गुड्स बिक गया आपका टेन लैक्स में इसमें कोई डाउट ना हो कि इस प्रोसेस में ये जो मेहनत कर रहा है उसको हमें कमीशन देना है जी और क्वेश्चन कहता है कि जो कमीशन होगा कमीशन टू मिस्टर ए यानी कि जो हमारा एजेंट है कंसाइनी है वो कहता है कि ये आपका मान लो कहता है कि टेन परसेंट दिया जाएगा जी ऑन सेल्स यानी कि जो आप सेल करोगे ना जो आप सेल करोगे उस सेल का टेन हम आपको कमीशन ग्रुप में पे करेंगे बच्चे ये एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है एक कंसाइनमेंट की बातें क्रिएट किया है इस बात को हमें क्या करना है कंसाइनर बुक में रिकॉर्ड करना है कंसाइनर बुक में रिकॉर्ड करना है मेरी बात ध्यान सुनेंगे यह चैप्टर आखिर आपको इतने बड़े लेवल में आकर क्यों पढ़ाया जा रहा है मैं आपको पहले बता दूं पता है बचपन से इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ाई की हुई है उसमें क्या देखा है कि कोई भी इंसान अगर अकाउंटिंग करता है मैं भी अकाउंटिंग करता हूं आप कोई भी अकाउंट करता है तो अकाउंटिंग करने का मेरे बच्चे मेन मोटिव होता होता है है इस बात को जानना कि हमने क्या क्या प्रॉफिट लॉस कमाया बोलो ना यही होता है ना यही अगर मान लो कोई आदमी अकाउंटिंग करता जैसे है जैसे कंसाइनर ही अगर मान लो कि अकाउंटिंग करता है तो अकाउंटिंग यानी कि हम रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं यह जानने के लिए कि भैया हमने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया मेरे बच्चे यहाँ पे जो हमारा कंसाइनर है कंसाइनर भी इस बात को जानना चाहेगा कि ये जो आपका काम हो रहा है ये जो हम काम एक एजेंट के थ्रू जो करा रहे हैं इस काम पे हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन बातों को यहां पे कंसाइनर क्या करेगा जानना चाहेगा और कंसाइनर इस बात को जानने के लिए यहां पर ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं बनाता, ये यहाँ पे बनाता है, आपका एक जिसका नाम है क्या हमने बोला आपका? ना तो आप ध्यान देना हमने क्या बोला कि कोई भी इंसान जब अकाउंट्स आपका मेंटेन करता है उस अकाउंट को मेंटेन करने का उसका मेन मोटिव होता है इस बात को जानना कि हमने एक साल में क्या प्रॉफिट या क्या लॉस कमाया उस प्रॉफिट लॉस को पता करने के मेरे बच्चे हमने आज तक यानी कि बचपन से अभी तक क्या पढ़ा हुआ है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाना लेकिन कंसाइनमेंट में जो कंसाइनर है जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल ने जो गुड्स कंसाइनी को दिया है सेल करने के लिए इस इसपे हमने क्या प्रॉफिट क्या लॉस कमाया उसको पता करने के लिए वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाता वो क्या बनाता है कंसाइनमेंट अकाउंट लेकिन मैं आपको बता दूं ये कंसाइनमेंट अकाउंट भी जस्ट लाइक like आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही है याद करो बचपन में जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे तो आप इस साइड में अपने एक्सपेंसिज को लिखते थे और यहां पे आप अपने रेवेन्यू को लिखते थे यानी कि सेल्स रेवेन्यू में एक्सपेंस को मैनेज करके आप प्रॉफिट निकालते थे निकालते थे ना ये सर सेम काम आपको यहां भी करना है सेम काम मेरे बच्चे कंसाइनमेंट पे जो भी आपके एक्सपेंसिज होंगे इस कंसाइनमेंट पे जो भी एक्सपेंसिज होंगे उनको हमें क्या करना है जी इसके डेबिट में रिकॉर्ड करना है कंसाइनमेंट जो भी आपका रेवेन्यू होगा जो भी आपका इनकम होगा उसको मैं क्या करना है? करना क्रेडिट में रिकॉर्ड है और रेवेन्यू में एक्सपेंस को माइनस करके हम प्रॉफिट को निकाल लेंगे काम खत्म हो जाएगा एक सवाल आपके दिमाग में आ गया कि सर एक बात बताओ जब यहां भी हमारा मोटिव आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही बनाना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही निकालना है तो फिर नाम कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों चेंज किया गया रीजन बताओ आप इसका रीजन है बच्चे बड़ा, बड़ा अच्छा रीजन है मैं आगे आपको बताऊंगा चिंता नहीं करना लेकिन अभी मेन मुद्दे पे आप आइए मेन मुद्दे पे पता मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे जो कंसाइनर है ना एक तो चीज पक्का है जी कि ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का मोटिव की भैया क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ उसको पता करना हम उसके लिए बना रहे हैं लेकिन इसको बनाने का जो तरीका ना बच्चे वो डिफरेंट है काम हुई है मैं एक्सपेंस यहां लिखूंगा रेवेन्यू यहां लिखूंगा प्रॉफिट आ जाएगा बट तरीका यहाँ डिफरेंट होगा सर डिफरेंट क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ जरा इमेजिनेशन में आ जाओ आप जरा मेरे साथ इमेजिन करो सोचो इस बिजनेस में ये जो कंसाइनमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया इसमें टू द मैक्सिमम क्या होगा टू द मैक्सिमम मेरे बच्चे आप गुड्स परचेज करोगे जब गुड्स परचेज करके आप सेंड करोगे तो कुछ यहाँ पे खर्चे होंगे फिर गुड्स कंसाइनी के पास आएगा कुछ खर्चे कंसाइनी करेगा गुड्स बिक जाएगा कमीशन और बात खत्म हो गया इतनी ही तो बातें होगी इसी में थोड़ी मोड़ी बातें बढ़ेंगे घटेंगे इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसिज बहुत सारे रेवेन्यू बहुत सारी बातें नहीं होने वाली है लिमिटेड यहाँ पे बातें होंगी इसलिए कंसाइनर क्या करता है कि आपको इस कंसाइनमेंट पे जो प्रॉफिट लॉस हुआ ना उस प्रॉफिट लॉस को होने के पता करने के लिए मेरे बच्चे वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करता मतलब मैं सारे अकाउंट्स ओपन करूं ऐसा नहीं करेगा वो पता क्या करेगा वो लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा लिमिटेड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन यहां पे कंसाइनर क्या करेगा कि बहुत सारे अकाउंट ओपन नहीं करना चाहता मेरे बच्चों वो जानता है कि छोटा सा बिजनेस है

कंसाइनर ने जो कंसाइनी को गुड्स दिया बेचने के लिए उसमें बहुत लिमिटेड बातें होंगी और जब लिमिटेड बातें होंगी ना तो वो limited, वो वो लिमिटेड 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 अकाउंटिंग 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 होगा लिमिट बहुत सारे अकाउंट ओपन नहीं करेगा करेगा वो कैसे होता है उसी बात को मैं आपको इस चैप्टर में समझा रहा हूं आप क्लियर हो होना यस सर अब देखो यहां पे क्या होगा अभी दिमाग में इफ और नहीं मेरे साथ चलिए देखो यहां पे क्या होगा मेरे बच्चे कंसाइनर ने जिस गुड्स को कंसाइनी को दिया ना सेल करने के लिए जरा बताओ ये सिक्स लैक्स जो अमाउंट है ये आपका एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है आप मुझे बताओ जो गुड्स छ लाख का सिक्स लैक्स का कंसाइनर ने कंसाइनी को दिया सेल करने के लिए इस गुड्स पे जो खर्चे हुए ये आपका पी यानी कि कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है सर एक्सपेंस है

पूरा कॉन्सेप्ट एंड होने दो ना एक एक चीज आपका अपने आप क्लियर होगा फिलहाल अभी आपको समझना है कि जो गुड्स गुड्स कंसाइनर गुणसाइन को देगा सेल करने के लिए उस का जो कॉस्ट होगा मेरे बच्चे वो आपका एक्सपेंस डेबिट में लिखा जाएगा और उसका नाम क्या जाएगा टू गुड्स एंड टाइम इस नाम से उसको जाना जाएगा ठीक है ना अब मेरी बात सुनना अब नजर यहां इतना लिख लिया ना ये सर इसके बाद अब आप लिखेंगे नहीं जब मैं बोलूंगा तब आपको लिखना शुरू करना दो मिनट स्टॉप कर जाओ आप देखो क्या हुआ ये गुड्स मेरे बच्चे जब कंसाइनर ने कंसाइनर के पास भेजा ना तो उसने फ्रेड पे किया इंश्योरेंस पे किया मुझे बताओ जो फ्रेड पे किया इंश्योरेंस पे किया कंसाइनर ने क्या वो एक्सपेंस है कि नहीं सर एक्सपेंस है।, है ना जो गुड्स हमने भेजा उसी पे तो खर्च हुआ मेरे बच्चे और इस एक्सपेंस को मैं क्या करूंगा डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा मैं लिखूंगा आप मत लिखना अभी क्यों नहीं लिखोगे मैं उसको बताऊंगा ये जो ट्वेंटी थाउजेंड आपका जो एक्सपेंस हुआ ना उसको मैंने क्या किया जी डेबिट में यहां रिकॉर्ड किया क्योंकि एक्सपेंस है हमने क्या बोल दिया टू फ्रेट टू फ्रेट आपका ठीक है ना आप मत लिखना मैं लिख रहा हूं फिर आपने थर्टी थाउजेंड इंश्योरेंस खर्च किया तो हमने कह दिया कि ठीक है जी थर्टी थाउजेंड रुपीज और कह दिया कि टू इंश्योरेंस क्योंकि सारे एक्सपेंसिज है जो बिजनेस में हो रहे हो तो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है ना यहाँ ट्वेंटी और थर्टी आपका मेरे बच्चे अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालना है तो आपने बिल्कुल सही काम किया कोई दिक्कत नहीं है आपके जितने भी एक्सपेंसिव होंगे ना उन सबको हम क्या करेंगे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे बहुत सही काम किया आपने लेकिन ध्यान सुनना यहां पे आपका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट निकालना नहीं है आपका मेन मोटिव लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना भी है लिमिटेड अकाउंटिंग करना मेरे प्यारे बच्चों अगर कंसाइनर ने लिखा टू फ्रेट तो फ्रेट अकाउंट भी खोलना पड़ेगा अगर आपने लिखा टू इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस अकाउंट भी खोलना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि अकाउंट्स में हम जितने भी नाम यूज करते हैं उन सबका डबल अकाउंटिंग होता है यानी कि उन सबके अकाउंट खोलते हैं लेकिन सोचो जरा एक छोटे से बिजनेस को रिकॉर्ड करने के लिए अगर हम इतने सारे अकाउंट्स खोलेंगे तो फिर काहे का लिमिटेड रिकॉर्ड रहा वो तो फिर प्रॉपर अकाउंटिंग आपका हो गया तो मेरे बच्चे हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है लिमिटेड अकाउंटिंग करना है ना हमें इस तरीके से नहीं लिखना तो देखो अब ये चैप्टर जो है ना वो आपको क्या सजेस्ट करता है कि आपको कैसे एंट्री करना मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे आपका मैं आपको दिखाता हूँ कहते हैं कि देखो जी हमें दो मोटिव पूरा करना है दो मोटिव दो मोटिव क्या था जी एक तो मोटिव है मेरे बच्चे की एक्सपेंसिज रिकॉर्ड हो जाए और बहुत सारे हमें नाम भी ना खोलना पड़े तो पता मैं क्या करूंगा मुझे बताओ ये फ्रेट इंश्योरेंस किसने पे किया है कंसाइनर ने

फ्रेट जरा बताओ कितना खर्च किया हमने ट्वेंटी थाउजेंड आपका ट्वेंटी थाउजेंड और बताइए इंश्योरेंस कितना खर्च किया आपने जी इंश्योरेंस पे कहता है है कि ना तो जितने भी एक्सपेंसिज कंसाइनर इनकर्ड करेगा ना आप क्या करना उन एक्सपेंसिज को सेपरेटली रिकॉर्ड करने के बजाय आप कह देना कि भैया टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट प्रेफर करना टू बैंक के थ्रू आपका तो इससे क्या हुआ कि अब कंसाइनर को फ्रेट अकाउंट ओपन नहीं करना कंसाइनर को इंश्योरेंस अकाउंट ओपन नहीं करना मेरे बच्चे बैंक के थ्रू ही क्या क्या है? हमने एंट्री को पास कर दिया टू बैंक अकाउंट जो किया ना तो बैंक अकाउंट तो सभी अपना मेंटेन हैं उसी से एंट्री पास हो जाएगा आपको अलग से अकाउंट नहीं करना होगा दो काम आपके एक साथ पूरे हो रहे प्रॉफिट को निकालने के लिए एक्सपेंसिज एक तरफ और रेवेन्यू एक तरफ रिकॉर्ड कर रहे हैं और दूसरा चीज मेरे बच्चे हम लिमिटेड अकाउंट से मेंटेन कर रहे आप समझो मेरी बात ना ये सर ठीक है तो अब आप इसकी कॉपी कर सकते हैं टू बैंक अकाउंट फ्रेड इंश्योरेंस यहां पे वीडियो को पॉज करके आप लिख दो क्योंकि आगे फिर से मैं आपको समझाकर फिर एंट्री सही करूंगा चलिए अब आपने इसको लिख लिया होगा मैं अब इस साइड आता हूं अब देखो गुड्स पहुंच गया कंसाइनी के पास बच्चे कंसाइनी के पास जो गुड्स पहुंच गया तो कंसाइनी ने भी बहुत सारे खर्चे किए हैं बहुत सारे रेंट पे किया एडवर्टीजमेंट और सैलरी आपका समझो ना मेरी बात ये ये भी तो एक्सपेंसिव हुए हैं अरे मैं इनकर्ड इनकर्ड करूं चाहे कंसाइनी एक्सपेंस मुझे तो 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 परेशानी समझना है लिखना बंद करेंगे दोबारा सुनेंगे ये खर्च के कितना हुआ जी ट्व थाउजेंड अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे टू रेंट अकाउंट यहां लिखता हूँ टू एडवर्टीजमेंट टू सैलरी तो मेरे बच्चे फिर से इनके अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे हमें लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करना है हमें इतने सारे अकाउंट ओपन नहीं करना तो आप कसम खा लो कि जब भी कंसाइनी कोई खर्च करेगा ना कंसाइनर खर्च किया तो और क्या लिखा है टू बैंक अकाउंट जब भी कोई खर्च कंसाइनी करेगा कंसाइनी तो आप क्या करोगे आप उसके नाम से एंट्री करना यानी कि अगर जैसे नाम दिया तो नाम ठीक है अदरवाइज क्या बोल देंगे टू कंसाइनी अकाउंट है ना अगर नाम देगा जैसे यहां पे नाम दिया है तो अच्छा होता है कि टू ए अकाउंट लिखो बट क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तुमने तो क्या बोल दिया टू कंसाइन अकाउंट टू कंसाइनिंग और इसके अंदर क्या करो ये सारे खर्च लिख दो आप यानी कि रेंट जरा बताओ कितने खर्च आपका हो गया सर ट्वेल्व थाउजेंड का अमाउंट आपका मुझे बताओ एडवर्टीजमेंट पे आपने कितने रुपए खर्च कर दिए सर एट थाउजेंड का अमाउंट अच्छा बताइए सैलरी पे कितना खर्च हो गया फिफ्टीन थाउजेंड तो आपने क्या किया इसको एंट्री किया फिफ्टीन थाउजेंड इससे क्या हुआ मेरे बच्चे की अब आपका अमाउंट टोटल कितना हो गया ट्वेंटी थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड तो ये थर्टी फाइव की एंट्री चले जाएगी सर फिर आ, यहां पे तो हमें कंसाइन अकाउंट ओपन करना होगा हां बच्चे वो तो करना होगा लिमिटेड अकाउंटिंग का मतलब बदमाश ये नहीं होता कि बिल्कुल अकाउंट ना करें

क्योंकि सेल जब होता है तो नॉर्मल अकाउंटिंग में हम क्या बोलते हैं सेल्स अकाउंट अगर मैं बाई सेल्स लिखूंगा तो सेल्स अकाउंट भी खोलना पड़ेगा और मैंने कहा ना कि हमें लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करना है हमें बहुत सारे अकाउंट ओपन नहीं करना तो मेरे बच्चे अगर मैं यहाँ पे सेल्स लिखूंगा तो सेल्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा हमें इतने सारे अकाउंट नहीं ओपन करने हमें लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करना है देखो लिमिटेड अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं मुझे बताओ कि ये सेल किसने किया ये सेल जो है बच्चों वो किसने किया सर कंसाइनी ने किया आपका कंसाइनी ने तो जब कंसाइनी सेल करेगा ना तो आप बोल देंगे बाय कंसाइनी अकाउंट क्योंकि आप जानते हैं कि कंसाइनी अकाउंट तो बनाना ही बनाना है तो आपने क्या किया बाय कंसाइनी अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना कि सेल्स की एंट्री आपका सेल्स यानी कि पता भी चले कि भैया हमने सेल्स की एंट्री की है और अकाउंट क्या होगा कंसाइनी अकाउंट के थ्रू पास हो जाएगा तो मेरे बच्चे हमने एक्सपेंसिव रेवेन्यू को भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ साथ हमारा लिमिटेड अकाउंटिंग भी हो रहा है ठीक है ना ये काम पूरा हो गया इसके बाद मेरे बच्चे गुड सेल हो गया अब जी कंसाइनी uh, को हमें कमीशन पे करना है मुझे बताओ कि जो कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देगा कंसाइनर जो कंसाइनी को कमीशन पे करेगा मुझे बताओ कंसाइनर का प्रिंसिपल का वो एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है बोलो बोलो आपसे कंसाइनी तो का रेवेन्यू होगा इनकम होगा तो कंसाइनी की हमें बात ही नहीं कर रहे हम किसके बुक में रिकॉर्ड रहे है कंसाइनर का तो कंसाइनर का मेरे पच्चे क्या होगा वो एक्सपेंस होगा और उस एक्सपेंस को भी क्या करेंगे हम यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे लेकिन फिर से वही बात अगर मैं यहाँ पे टू कमीशन लिखता हूं ना तो मुझे कमीशन अकाउंट खोलना पड़ेगा नहीं करना इतना सारा काम कुछ भी जो कंसाइनी के पास होगा ना हम यहाँ पे क्या कर देंगे टू कंसाइनी अकाउंट बस इतनी सी तो बात है पता नहीं ये चैप्टर बच्चों को क्यों परेशान करता है इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है इतना इंटरेस्टिंग कि मतलब मन करता है कि इसी में दिन रात सुबह शाम हमारा गुजर जाए मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में है ना टू कंसाइन अकाउंट और क्या जी कमीशन ब्रैकेट में ब्रैकेट मतलब हम बता बता रहे हैं एग्जामिनर को भी और लोगों को भी क्या हम एंट्री किसका की है मुझे बताओ कि कितना टेन परसेंट कहता है कि सेल्स पे तो टेन लैख्स रुपेज का टेन परसेंट कितना हो जाएगा वन लाख रुपेज उसको हमने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया आपका वन लाख रुपेज का अमाउंट आपका लो बात खत्म हो गई मेरे बच्चे जितने भी कंसाइनमेंट पे आपके एक्सपेंसेस थे आपके रेवेन्यू थे वो सारे रेवेन्यू और, क्या क्या और रेवेन्यू टोटल कितना हो गया टेन लैक्स अमाउंट सर कुछ सवाल अभी दिमाग में है। अभी मत आने देना अभी नहीं मेरे बच्चे हो ना जिंदा आठ से नौ क्लासेज इस चैप्टर पे हम चलेंगे और उन आठ से नौ क्लासेज में जितने भी सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं ना जो आप नहीं भी सोच सकते उनको भी मैं क्लियर करूंगा लेकिन कम से कम अभी तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था देखो ना तो टोटल रेवेन्यू आपका टेन लैक्स हो गया टेन लैक्स रुपीज के अंदर में आपका टेन लैक्स में बताओ एक्सपेंसिज कितने हो गए तो यहां पे टेन लैक्स में आ, कितने हो गए जी सिक्स सिक्स एटी फाइव सेवन एटी फाइव सेवन एटी फाइव को माइनस कर दो मेरे बच्चे आपका टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ गया टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड लिखो ना यहाँ पे टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट यानी कि डेबिट में जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया ये हमारा प्रॉफिट हो गया अगर ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट में आता तो क्या बोलते लॉस बोल देते है. काम पूरा आपका हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट की आपने अकाउंटिंग कर ली आप प्लीज कॉपी करें जल्दी से कॉपी करेंगे कंसाइनर पे क्या कर रहा कर रहा रहा है? है। लिमिटेड अकाउंट मेंटेन वो बहुत सारे अकाउंट्स ओपन नहीं करेगा वो लिमिटेड अकाउंटिंग करके प्रॉफिट कैसे पता करेगा वही इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जा रहा है और कितने सिंपल शब्दों में आपको बताया कि जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को देगा गुड्स एंटन कंसाइनमेंट जो भी एक्सपेंस कंसाइनर इनकट करेगा चाहे जितने भी हो हम बोलेंगे टू बैंक अकाउंट कोई भी खर्च अगर कंसाइनी करेगा तो तू बोलेंगे टू कंसाइनी अकाउंट कंसाइनी को हमें कुछ कमीशन देना है तो वो भी हमारा एक्सपेंस हो गया सेल्स हुआ हमारा रेवेन्यू हो गया और हमने कसम खाया मेरे बच्चे कि कंसाइनी के पास कोई भी रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस होगा अगर हम उसको अपने कंसाइनमेंट में रिकॉर्ड करेंगे तो टू कंसाइनी या बाई कंसाइनी अभी सवाल आपके दिमाग में आएंगे बहुत सारे बट अभी मत आने देना क्योंकि अभी जिंदा हूं मैं आपके लिए तो ये हमारा क्या वाजी प्रॉफिट निकल के कंप्लीट हो गया काम खत्म हो गया तो यानी कि कंसाइनर क्या करता है एक तो बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट दूसरा अकाउंट जो ये मेरे बच्चे बनाता है ना दूसरा अकाउंट इसके साथ साथ वो बनाता है कंसाइनी अकाउंट कंसाइनी अकाउंट है ना वो एक अकाउंट बनाता जिसका नाम है कंसाइनी अकाउंट मैंने कहा ना लिमिटेड अकाउंटिंग का मतलब कम से कम रिकॉर्ड मेंटेन करना तो जो इम्पोर्टेंट अकाउंट है वो तो ओपन होंगे ही होंगे ना तो एक अकाउंट ओपन होगा कंसाइनी अकाउंट अब ध्यान रहा आपको रटना कुछ भी नहीं है सारी बातें मेरे साथ आपको समझनी है अगर इस चैप्टर में समझने की आपने आदत डाल दी ना मेरे बच्चों तो ये चैप्टर रियली में बहुत इंटरेस्टिंग होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है मैं आगे, आगे आपको प्रूफ करते चला जाऊंगा लेकिन जिस दिन आपने इस चैप्टर में रट्टाफिकेशन डाल दिया जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं काम वहीं पे खराब हो जाएगा है ना हमें तो अभी बहुत सारे चीजों की तैयारी करनी है आपको एमसीक्यू की तैयारी कराऊंगा वन मार्क क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा बड़े क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा सब जगह देखेंगे कि जो बच्चा कॉन्सेप्ट सीखता है वो फटाफट सुनिए मेरी बात अब अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा नजर यहाँ कंसाइनमेंट में क्या बोला बाई कंसाइनी अकाउंट तो कंसाइनमेंट में बाई कंसाइनी तो कंसाइनी में क्या बोलेंगे जी टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रॉस पोस्टिंग है ना आपने बचपन से पढ़ा हुआ है टू कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया एंट्री सेल्स, तो सेल्स की है ये बस आपको समझाने के लिए एग्जाम में यहाँ पे कोई जरूरत नहीं बची वो ऑलरेडी आप वहां बता चुके हैं लेकिन फिर भी क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि किस चीज की एंट्री है इसलिए मैं यहाँ पे दिखा दिया रेड में रेड मतलब कि आप एग्जाम में मत लिखना है ना इसके बाद और देखो यहां पे कंसाइनमेंट में क्या बोला टू कंसाइनी तो कंसाइनी में क्या बोलेंगे जी बाय कंसाइनमेंट अकाउंट है ना जो नाम आपने वहां पे यूज किया है उसी का तो तो हमने कहा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ये ये जरा बता दो ब्रैकेट में किस चीज की एंट्री है सर एक्सपेंसिव जो उसने इनकर्ड किया था उसका तो लिख दिया हमने ब्रैकेट में सिंपली एक्सपेंसिव जो कंसाइनी ने किया था बच्चे उसका एंट्री हमने किया है ना मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेड का मतलब कि बस आपके रिविजन के लिए एग्जाम में इसको लिखना कोई जरूरत नहीं है फिर आपने बोला कंसाइनमेंट में टू कंसाइनी कंसाइनी में क्या बोलेंगे अच्छा ये अमाउंट कितना था थर्टी फाइव थाउजेंड ये थर्टी फाइव आपका हो गया ठीक है यहां बोला टू कंसाइनी कंसाइनी में क्या बोलेंगे हम लोग बाई कंसाइनमेंट बाई कंसाइनमेंट है ना बाई कंसाइनमेंट अकाउंट आपका अच्छा ये किस चीज की एंट्री था जी कमीशन का तो आपने क्या बोला ब्रैकेट में ये कमीशन वाली एंट्री है कमीशन वाली है ना देखो कितना प्यारा ये लगेगा आपको कितना कमीशन था वन लाख रुपए आपका एक लाख रुपए ये हमारा वन लाख अमाउंट हो गया अब मेरी बात सुनना मैं कंसाइनी अकाउंट भी आपको समझाऊंगा मुझे रटाने नहीं आता मेरे बच्चे रटना मुझे नहीं आता सुनी मेरी बात ये कंसाइनर साथ क्या बना रहा? बना रहा है क्यों बना रहा है अरे ये भी तो हमें जानना है कि आखिर जो इतनी सारी बातें हुई तो कंसाइनी से आखिर क्या लेना है क्या देना है उसका हिसाब भी तो रखना होगा हमने वो हिसाब यहां पर रखा है मैं आपको दिखाता हूं ये देखो कैसे नजर यहां मेरे हाथ को देखना कंसाइनर ने कहा कि कंसाइनी आपने गुड्स को सेल करके कितने रुपए रखे हुए टेन लैक्स गुड्स कंसाइनी ने जो बेचा था मेरे बच्चे पैसे उसी के पास है ना ऐसा थोड़ा होता है कि आपने आज बेचा पैसा भेज बेच दो कल बेचा पैसा भेज बेच दो पैसा हम एक एक दिन के बाद हिसाब करते हैं समय के बाद हिसाब करते हैं तो कंसाइनर ने कहा कंसाइनी आपने गुड्स को सेल करके टेन लैक्स रुपए अपने पास रखा हुआ है आप एक काम करो उस टेन लैक्स में जो आपने एक्सपेंसिज इनकर्ड किया है ना अरे कंसाइनी ने देखो थर्टी फाइव थाउजेंड एक्सपेंस किया था ना बच्चे पैंतीस हजार रुपए वो खर्चे आपने मेरे ब्याह पे किया था आपने थोड़े बियर करना है तो हमने कहा कि ठीक है जी इस टेन लैक्स में जो थर्टी फाइव आपने एक्सपेंस इनकर्ड किया अब उसको माइनस कर लो आप टेन लैक्स में उतना कम मुझे कम पैसा दे देना वो आपने खर्च किया मेरे ब्याह पे तो ठीक है ये पैसा इसमें से इसको माइनस कर लो हाँ आपका जो कमीशन है ना वन लाख वो भी मैन कर लो क्योंकि वो भी तो तो मुझे आपको पे करना है तो आप काम करो कि जो टेन लैक्स रुपीज आपके पास सेल करके आए हैं उस टेन लाख में ये थर्टी फाइव जो आपने एक्सपेंस कर दिया वो माइनस कर दीजिए ये जो वन लाख रुपीज आपका कमीशन है वो माइनस करो बाकी पैसा आप मुझे वापस कर दो बाकी पैसा तो लूंगा तो मुझे बताओ जरा कि टेन लैक्स में अगर हमने यहां पे वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड उनका हमने माइनस किया तो कितना निकल के आ गया एट लैक सिक्सटी फाइव थाउजेंड मेरे बच्चे ये 8, 65 जो है ना, ये पैसा आप कंसाइनी से रिसीव कर लोगे तो कंसाइनी से पैसा क्या होगा बाय बैंक के थ्रू बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो पैसा आप उनसे रिसीव कर लोगे ये आपका बैलेंसिंग फिगर है मतलब जो फाइनल आपका सेटलमेंट हुआ हिसाब करने के बाद वो आपका कितना हो गया जी एट एट सिक्सटी फाइव का तो टेन लैक्स टेन लैक्स दोनों साइड बराबर हो गया लीजिए काम खत्म हो गया इसमें क्या दिक्कत है क्यों आप नहीं बना पाओगे आप मुझे बताओ कि आज जब क्लास से बाहर निकलोगे इस क्लास को करने के बाद और बाहर में मान लो कोई आपका रिलेटिव मिल गया कोई दोस्त मिल गया कोई दुश्मन मिल गया और उसने पूछ दिया कि कंसाइनमेंट अकाउंट आप क्यों बनाते हो तो आपका आंसर क्या होगा सर प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए एग्जाम में कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आए हैं कि बताओ कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर क्यों तो प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए सिंपल सी बात आपका बोलो ना मान लो कोई पूछ दे कि जरा बताओ कंसाइनी अकाउंट क्यों बनाते हो जी तो कहना कि हिसाब रखने के लिए हमें हिसाब रखना होगा ना आपने कितना हमारा पैसा रखा है आपने हमारे बिहार पे कितना खर्च किया है हम हिसाब तो रखेंगे ना लास्ट में सेटलमेंट करना होगा ना तो वो सेटलमेंट करने के लिए आपने यहां पे काम किया इतनी सी तो बात है मेरे बच्चे तो आप इसको प्लीज कॉपी कर लो सर हो गया मैं चाहता हूं ना कि एक दो नोट लिखा दो कि कहीं एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन बन गया तो आप गलती ना करो इसको कॉपी कर लिया आपने ये सर तो मैं यहीं पे ना थोड़ा सा मिटाकर मैं कुछ नोट लिखाऊंगा आप ना कंसाइनिंग अकाउंट के बाद यहां पे नोट लिखिए लिखेंगे मेरे साथ नोट नंबर वन लिखेंगे आप यहां पे नोट नंबर वन ये मतलब थ्योरी पार्ट के लिए आपका कहते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट is prepared is prepared to calculate to calculate profit or loss on confinement on confinement ठीक है ना ऑन कंसाइनमेंट आपका पहला चीज एग्जाम में कई बार पूछता है कि यार कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है तो आप देख रहे हो नेचर क्या है जहां पे हम एक्सपेंसिज को और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट आपका जो है बच्चे इज अ नोमिनल अकाउंट नोमिनल अकाउंट है नोमिनल नेचर का है ना जिसमें कि हम एक्सपेंसिज और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं आपका ठीक है अगर कोई पूछ दे कि कंसाइनी अकाउंट क्या है तो कंसाइनी अकाउंट क्या है जी इज़ अ पर्सनल अकाउंट कंसाइनी अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट क्योंकि वो आदमी है वो इंसान है वो हमारा एजेंट है जिसका हम क्या कर रहे हैं अकाउंट्स को यहाँ पे करते हैं काम खत्म हो गया तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कंसाइनमेंट अकाउंट हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है इतना बड़ा होने के बाद तो आप उनको बताना इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कंसाइनमेंट में जो प्रॉफिट लॉस आपका हुआ वो उसका हम प्रॉपर रिकॉर्ड न करके लिमिटेड अकाउंटिंग करके कैसे पता कर सकते उसको सिखाया जा रहा है आपको यहाँ पे ठीक है तो प्लीज कॉपी करेंगे आप यहां पे सर हो गया ठीक है अब मैं आपको यहां पे चाहता हूं कि यार यार अभी कुछ कराऊं उसके पहले क्यों ना बुक का एक एक क्वेश्चन करा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा तो आप एक काम करो ना आपकी शक्ति को आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कि अब चीजों को आपने समझना शुरू कर दिया है मेरे बच्चे आप मेरे बुकलेट नंबर वन, वन बुकलेट का क्वेश्चन नंबर वन और जो बच्चे इस क्लास को चैनल पर देख रहे हैं Uh, मेरे YouTube चैनल पे तो वो क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके इसके नोट्स को आप डाउनलोड कर लेंगे है ना और आप उसको डाउनलोड करके मेरा पूरा ये ये जो चैप्टर का नोट्स है आपको आप पे मिल जाएगा पर मेरे साथ यहाँ पे uh, क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कहता है कि ट्वेंटी पढ़ेंगे आप मेरे बुकलेट का कंसाइनमेंट शुरू किया आपने क्वेश्चन नंबर ऊपर में थ्योरी है जो हम अभी देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा पहले क्वेश्चन नंबर वन पे आप आइए कहता है ट्वेंटी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स कोई कमोडिटी है कोई गुड्स है जिसका नाम है एक साहब का वेर कंसाइंड बाय राम ऑफ दिल्ली मेरे बच्चे गुड्स किसने भेजा है राम ने तो जिसने गुड्स भेजा है जरा बताओ वो राम हमारा कंसाइनर है कि कंसाइनी है सर कंसाइनर है अरे जो गुड्स भेजेगा मेरे बच्चे वो तो कंसाइनर वो तो मालिक ही होगा प्रिंसिपल होगा कहता है एट एन इनवॉइस कॉस्ट ऑफ रुपीज हंड्रेड इनवॉइस का मतलब मतलब कि जो उसका कॉस्ट है आपका कितना हंड्रेड रुपीज आपका टू मोहन ऑफ मुंबई इसमें कोई डाउट ना हो कि मोहन हमारा क्या है कंसाइनी यहां पे है राम पेड फ्रेट इंश्योरेंस लो यहां पर तो वही आ गया फ्रेट इंश्योरेंस आपका लो ये मिट्टी क्यों रहा है बदमाश तो जो फ्रेट इंश्योरेंस है ना उसको पेमेंट करने की बात कर रहा है तो ठीक है जी फ्रेट इंश्योरेंस आपका आ, इतना इतना पे किया यहाँ पे ट्वेल्व थाउजेंड एट थाउजेंड कोई बात नहीं मोहन रिसीव द कंसाइनमेंट मेरे बच्चे मोहन यानी कि कंसाइनी ने क्या किया अरे अरे बदमाशी हा? कहता कि मोहन ने क्या किया यहाँ पे यहां पे ये नहीं मोहन है वो रिसीव द कंसाइनमेंट और इनकर्ड द दॉलोइंग एक्सपेंस कई सारे खर्चे बता रहा है क्लियरिंग चार्ज चार्ज क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं क्लियरिंग चार्ज के बारे में कि जब गुड्स यहां से यहां भेजते हैं ना बच्चे तो गुड्स कंसाइनी के पास नहीं पहुंचता ये अपने जहां पे पोर्ट है ना जहां पे गुड्स मतलब स्टेशन जो है वहां पे आके गुड्स रुक जाता है तो वहां से गुड्स जब कंसाइनी लेकर जाएगा ना अपने पास तो कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है उस पेपर वर्क पे जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं क्लियरिंग चार्ज गुड्स को क्लियर कराने का उस पोर्ट से उस स्टेशन से जो चार्जेस पे किया वो क्लियरिंग चार्ज सर ये इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो उसका भी रीजन है आगे समझाऊंगा ना आप पहले क्वेश्चन क्यों पूछते हो अभी आओ तो हूं ना अभी आपके साथ फिर कहता है फ्रेड टू गो डाउन मेरे बच्चे जब कंसाइनी गुड्स लेकर आएगा तो ऐसे थोड़े गुड्स बिक जाएगा वो क्या करता है जी कंसाइनी पहले अपने गोडाउन में गुड्स को रखता है तो गोडाउन का भी आपका फ्रेट यानी कि गोडाउन में पहुंचाने तक का मतलब ये जो स्टेशन है यहाँ से गोडाउन में पहुंचाने तक का जो फ्रेट यानी कि भाड़ा पे किया वो कहता है कि सेवन रेंट ऑफ गोडाउन जहां पे गुड्स आपने स्टोर किया उसका रेंट है इंश्योरेंस आपका देखो कन एक इंश्योरेंस यहाँ पे था वो तो ये कौन सा था ये ये कंसाइनर वाला है ना रास्ते का है कंसाइनी जब भी इंश्योरेंस कराएगा ना तो इसका मतलब क्या अपने गोडाउन का अपने शोरूम का वो वहां की बात कर रहा है मतलब वो बात की बात है ठीक है एडवर्टीजमेंट में खर्च किया लोडिंग अलोडिंग इतने सारे खर्चे कंसाइनी ने किया है आगे पढ़ना मोहन सोल्ड ऑल द गुड्स एट द रेट ऑफ टू फिफ्टी एच मोहन ने सारे गुड्स मेरे टू फिफ्टी के हिसाब से बेचा है ही टू अ कमीशन ऑफ ऑफ सेल्स ठीक है है मतलब की Sir, अगर मोहन के के में 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 आ बदमाश वो वो आगे का है, वो के बुक में क्या होगा हम देखेंगे ना बात में. मैंने कहा था आपको ये देखो कि दो पार्ट में चैप्टर की स्टडी है अभी हम इस पार्ट को पढ़ा रहे हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे ना सारी बातें अगर एक साथ बता दो तो पता क्या होगा ठीक वैसे जैसे इतना बड़ा पत्थर मैं आपके सर पर फेंक दू सोचो एक बहुत बड़ा पत्थर अगर मैं आपके सर पे फेंक दूं जो 100 के का है तो आपके सर का क्या हाल होगा तो मेरा पता है प्लान क्या है वो 100 के का जो आपका पत्थर है ना आप पे फेंकूंगा लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि आपको चोट ना लगे आपको अच्छा लगे फूल बना के बेचूंगा फेंकूंगा ऐसे 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 ताकि चोट ना लगे बस आपको अच्छा फील हो वही काम कर रहा हूं तो इसलिए मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा दिमाग शांत करके अपने सर पे विश्वास कीजिए कि जब चैप्टर खत्म होगा सारे टॉपिक्स खत्म वो सारे हंड्रेड के आपके पास आ चुके हैं तो मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर सोल्यूशन स्टार्ट कीजिए बुकलेट का क्वेश्चन नंबर वन का पहले तो आप मुझे बताओ इन द बुक ऑफ किसके बुक में हम एंट्री कर रहे हैं इन द बुक ऑफ इन द बुक ऑफ कंसाइनर कौन है बच्चे राम मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पे कि कंसाइनर के बुक में एंट्री हो रहा है एग्जाम में Consignor, लिखो नाले को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि राम यानी कि कंसाइनर आपका है मुझे बताओ राम कौन से अकाउंट को बनाएगा क्वेश्चन कहता है कि एक तो बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट ठीक है जी हम बनाएंगे लिमिटेड अकाउंटिंग होता है हमें इस बात को पता है और हम बहुत आराम से प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए इसको बनाएंगे तो एक तो हमारा हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा देख लो क्योंकि यहाँ पे आइटम्स बहुत सारे हैं तो थोड़ा जगह भी ज्यादा छोड़ना होगा वो कंसाइनी अकाउंट कंसाइनी अकाउंट बाद में पहले मैं इसको बना लेता हूं सर यहाँ पे वो पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा जाता है लिख लो बदमाश वो कौन सी बड़ी बात है हर एक में लिखा जाता है आगे सजाऊंगा ना लो आपने कह दिया तो मैंने सजा दिया पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट लेकिन क्या फर्क पड़ता है डेबिट में सारे एक्सपेंसिज लिखूंगा और क्रेडिट में सारे रेवेन्यू आपका शुरू कीजिए गुड्स आपने भेजे हैं ट्वेंटी यूनिट्स 100 इच वाले तो मेरे बच्चे जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा हम उसको क्या बोलेंगे टू टू गुड्स गुड्स सेंट सेंट ऑन ऑन कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट सर ये आप एक बात बताओ कि जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखा जाएगा अकाउंट क्या गुड सेंट ऑन एक लाइन में टू कंसाइनमेंट अकाउंट अलग लाइन में बदमाश जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा अगर आपको पूरा जगह तो इतना तक लिखो ना क्या जाता है

कोई भी एक्सपेंस अगर राम पे करेगा तो हम क्या बोलेंगे टू बैंक अकाउंट है ना क्या क्या क्वेश्चन बता रहा है फ्रेट बहुत सारे नाम हो सकते हैं फिलहाल जो बता रहा है फ्रेट है और दूसरा आपका इंश्योरेंस जरा बताओ ना फ्रेड कितना है सर फ्रेड कहता है आपका फ्रेट ट्वेल्व थाउजेंड और इंश्योरेंस कहता है कि आपका यहां पे एट थाउजेंड तो मेरे बच्चे ट्वेल्व प्लस एट कितना हो गया आपका ट्वेंटी थाउजेंड का अमाउंट ये लिखो ना आप टू बैंक अकाउंट ट्वेंटी तो थाउजेंड तो जो एक्सपेंस कंसाइनर ने किया हमने क्या बोल दिया टू अब आगे कहता है कि कंसाइनी ने यहाँ पे टू कंसाइनी अकाउंट नाम बता रहा है क्या ये सर मोहन तो फिर अब नाम लिखना शुरू कर दो नाम जब नाम बताएगा मेरे बच्चे तो नाम से ही उसको पुकारेंगे नाम नहीं बताएगा ना तब हम क्या करेंगे कंसाइनी लिखेंगे यहाँ पे टू मोहन अकाउंट और वो सारे खर्चे बताओ जो उसने इनकर्ड किया है क्लियरिंग चार्ज लिखो ना यहाँ पे आपने कहा क्लियरिंग चार्जेस जरा मुझे बताइए कि क्लियरिंग चार्जेस कितना बता रहा अमाउंट आपको यहां है आपको फ्रेट टू गो डाउन शॉर्ट में मैं यहां पे फ्रेट लिख दूंगा फ्रेट सर मार्क्स तो नहीं कटेगा क्यों बदमाश मार्क्स मार्क्सा थाउजेंड का अमाउंट आपका, आपका। एंट्री तो टू मोहन अकाउंट हो रहा है ना ये तो नरेशन की किस किस की एंट्री है फिर कहता है रेंट ऑफ गोडाउन तो शॉर्ट में मैंने यहाँ पे रेंट लिख दिया आप एग्जाम में अगर मन करे तो सारी बात लिख देना क्या जाता है रेंट कितना आपका आजिए थ्री थाउजेंड का अमाउंट आपका ये लीजिए थ्री थाउजेंड का अमाउंट तो इसके बाद बताओ और क्या है क्लियरिंग चार्ज हो गया फ्रेट हो गया रेंट हो गया इंश्योरेंस कहता है कि टू तो आपने लिखा यहाँ पे इंश्योरेंस और अमाउंट कहता है आपका टू और बताओ और बताओ एडवर्टीजमेंट कहता है ट्वेल्व थाउजेंड एडवर्टीजमेंट ट्वेल्व ठीक है और भी कोई एक्सपेंसिज है क्या ये सर कौन सा लोडिंग अनलोडिंग आपका तो हमने कह दिया लोडिंग एंड अनलोडिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग जितने भी खर्चे कंसाइनी करेगा आप कसम खा लो कि आपने बोलना है टू कंसाइनी अकाउंट है ना क्योंकि उसके अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाएगा कितना थ्री थाउजेंड का अमाउंट मुझे बताओ जरा कि ये सारे एक्सपेंसिज कितने हो गए तो ट्वेल्व फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन थर्टी टू थाउजेंड है ना क्या फर्क पड़ता है कितने भी एक्सपेंसिव हो जाए आप यहां पे ऐसे लिखेंगे सर ये नाम आपको एग्जाम में दिखाने होंगे हाँ बच्चे दिखा देना है ना अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हम सारी बातें प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा तो ये भी आपका हो गया फिर कहता है मोहन सोल्ड ऑल द गुड्स मेरे बच्चे सारे गुड्स उसने बेच दिए 250 फिफ्टी के हिसाब से तो बताओ कंसाइनी ने सेल किया है रेवेन्यू है ना ये सर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय बायमोहन अकाउंट क्या मैं बाय सेल्स लिख सकता हूं नहीं लिख सकता अगर सेल्स लिखा तो क्या हो जाएगा आप लिमिटेड अकाउंट फिर मेंटेन नहीं किए फिर मार्क्स नहीं मिलेगा तो आपको बाय मोहन अकाउंट और सेल्स ब्रैकेट में लिख दो कितना हमने सेल किया जी सारे गुड्स मेरे बच्चे सारे के मतलब कि पूरे ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट को आपने सेल किया है और रेट कहता है कि टू के हिसाब से ये फिफ्टी लैक्स रुपीज का आपका यहाँ पे सेल्स की एंट्री आपने रिकॉर्ड कर लिया आपका फिफ्टी लैक्स रुपीज को डाउट इसमें नहीं सर आगे पढ़ो फिर क्या बता रहा है अ ऑफ़ उसको कमीशन चाहिए तो दो ना कौन रोकता है आपको अगर राम ने मोहन को कमीशन दिया तो राम का है मैं यहां लिखूंगा और क्योंकि हमें मोहन को देना है हम बोलेंगे टू मोहन अकाउंट उंट सर क्या ये एंट्री जो कमीशन वाली है क्योंकि हम मोहन को ही दे रहे हैं क्या हम इसके साथ नहीं लिख सकते लिख सकते बच्चे बट आप अलग सीखना क्योंकि क्यों की बातें बढ़ने वाली है बहुत सारी फाइव परसेंट ऑन सेल्स तो फिफ्टी लैक्स रुपीज का फाइव परसेंट कितना हो जाएगा टू लैख एंड फिफ्टी थाउजेंड

50 लैख्स में आपने 20 लैख 20, 20 कितना हो गया 20 लैख uh, फिफ्टी टू है ना ऊपर के तीन और एक माइनस हो गया टू लैख फिफ्टी थाउजेंड जो कमीशन का था तो ये आ गया ट्वेंटी सिक्स लैख नाइनटी एट थाउजेंड इतना हमने क्या किया जी प्रॉफिट कमाया है प्रॉफिट कमाया है ये लिख दो बच्चे टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट है ना प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट जी एन एम ई एन टी ठीक है ना ये प्रॉफिट प्रॉफिटमेंट आपका हो गया तो हमने क्या किया प्रॉफिट निकाल दिया दूसरा काम क्या है जी हमें यानी कि राम ने क्या करना है जी मोहन अकाउंट बनाना बच्चे मोहन अकाउंट आप मुझे बताओ मोहन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं हिसाब रखने के लिए कि आखिर मोहन से हमें फाइनली क्या लेना क्या देना आपका है तो आओ ना अगर आपने अभी तक तो कॉपी नहीं किया है तो मैं किनारे हो जाता हूं वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लो और अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला मैंने रुकने वाला मैं तो आपको हमेशा चाहूंगा कि आप बड़े बच्चे हैं प्रोफेशनल बच्चे हैं तो आपको स्पीड को बढ़ाना होगा बच्चे एक एक आज से कम से कम साठ सत्तर साल पहले की बात है कि एक बार मैं डाउट सेशन ले रहा था और डाउट सेशन टाइम पे एक बच्चे का फ़ोन आया और फोन आके कहता है कि आ, सर आप जब लिखते हो तो आप हमें समय क्यों नहीं देते आप किनारे क्यों नहीं हो जाते हैं हम भी लिखेंगे उसके बाद आगे बढ़ो वो बदमाश बच्चा था अरे मैं लिखकर अगर मैं किनारे हो जाऊं और आप लिखो फिर मैं आऊं तो फिर क्लास जो दो घंटे की है वो बीस घंटे में चला जाएगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कब लिखा कब नहीं लिखा अरे आपके हाथ में ही तो हूं आप रिमोट से ऐसे वीडियो को पॉज कर लो बदमाश लिख लो जब लिखना है लेकिन मैं तो आपको बोलता हूं कि आदत डालो आप बड़े बच्चे हो आप प्रोफेशनल बच्चे हो आप आदत डालो कि लिखना और आपका दिमाग सोचना दोनों एक साथ हो हमारी आदत क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके हमें बड़े बड़े पोस्ट बड़े बड़ी कंपनी को संभालना है मेरे बच्चे और वहां पे अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार मैं तो एक बार एक बार में ही काम करूंगा नहीं चलने वाला आपको वहां पे चीजों को लीड करना है लोगों को लीड करना है कंपनी को लीड करना है दस दस काम आपको एक साथ करने पड़ेंगे हो सकता है कि इस हाथ से लिखना है इस हाथ से मुंह में भी एक पेन लाके ला ऐसे ऐसे लिखना है पैर से भी लिखना है ये सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे उसको बोलते हैं लीडर कंपनी की मैनेजमेंट आप जितने आसानी से सोचते हो कि कंपनी चलती वो नहीं चलती है इसलिए अपनी आदत को सुधारो ना अगर आपको साथ साथ लिखने की आदत नहीं है आप पहले समझना चाहते हो तो उस आदत को छोड़ो ना और मेरे साथ लिखो ना दिमाग आपका मेरे शब्दों पे और हाथ मेरे साथ यहाँ पे लिखने में रहेगा आइए अब मैं मोहन अकाउंट बनाऊंगा राम कहता है कि आ, यहां देखोगे राम बोलेगा कंसाइनमेंट में क्या बाई मोहन तो मोहन में क्या बोलेंगे टू कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट

थर्टी टू थाउजेंड फिर आपने क्या बोला यहाँ पे टू मोहन तो हम क्या बोलेंगे बाय कंसाइनमेंट उस कमीशन वाले की एंट्री आपकी है बाय कंसाइनमेंट आपका है ना बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितना अमाउंट आपका हो गया यहाँ पे टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू फिफ्टी ठीक है टू फिफ्टी अब मेरी बात ध्यान सुनना मैं कैसे इसको इंटरप्रेट करूंगा क्योंकि इंटरप्रेशन आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना पड़ेगा रटना नहीं आपको कहते हैं कि राम ने कहा कंसाइनर ने कहा कि मोहन तुमने गुड्स को सेल करके फिफ्टी लैक्स रुपीज अपने पास रखा हुआ है सेल किया था ना फिफ्टी लैक्स का ये सर तो हमने कहा कि मोहन तुमने सेल करके फिफ्टी लैक्स रुपीज रखा हुआ है लेकिन फिफ्टी लैक्स रुपीज में से काम करो जो थर्टी टू तुमने एक्सपेंस किया ना मेरे लिए मेरे लिए खर्च किया था ना उसको मैनेज कर लो और जो तुम्हारा कमीशन है ना टू फिफ्टी वो भी माइनस कर लो बाकी पैसा मुझे वापस कर दो तो मेरे बच्चे मैं उनका हिसाब लगा रहा हूं मैंने कहा कि फिफ्टी लैक्स में से कितना जी टू एटी टू टोटल माइनस कर लो और बाकी पैसा यानी कि फोर्टी सेवन लैख और एटीन थाउजेंड आप मुझे क्या करो यहाँ पे वापस कर दो मेरे बच्चे ये एंट्री बाई बैंक बाई बैंक आप ये बैलेंसिंग फिगर है ये पैसा वापस लेने की आप एंट्री करोगे काम खत्म हो गया काम खत्म हो गया क्यों मेरे बच्चे यानी कि आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे क्या दिक्कत है अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं हिसाब रखने के लिए कितना पैसा आपने लिया कितना दिया उसका हिसाब करो जी और नेट सेटलमेंट करो काम खत्म हो गया प्लीज कॉपी करेंगे सर कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म हो गया नहीं बदमाश अभी तो शुरू हुआ है अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी आप लिखो तो पहले सर हो गया सर अब मैं आपको इस कंसाइनमेंट की अगली दुनिया में लेके आना चाहता हूं इमेजिनेशन आपको मेरे साथ इमेजिनेशन में आना होगा और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा देखो क्या इमेजिनेशन में लेकर जाता हूं सोचो जरा मेरे प्यारे बच्चों जरा सोचो कि यहां पे जैसे गुड्स कितने भेजे गए थे ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स को भेजे गए थे ये जो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होता है ना ये हम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं तो हमेशा अकाउंटिंग क्या होगा जी एक साल का होता है जैसे आपका नॉर्मल अकाउंटिंग होता है ना उसी तरीके से एक साल एक साल के अकाउंटिंग कर रहे हैं आप मुझे बताओ क्या ये जरूरी है क्या कि जितने भी गुड्स हमारे भेजे गए होंगे कंसाइनमेंट पे कंसाइनी को जितने भी गुड्स हमने कंसाइनी को भेजे होंगे वो सारे गुड्स इस साल बिक जाए क्या ऐसा जरूरी है क्या बोलो ना आपसे मैं पूछना जितना गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा अगर ट्वेंटी थाउजेंड को भेजा तो क्या ऐसा हमेशा होगा क्या कि सारे गुड्स बिक जाए नहीं सर ऐसा जरूरी नहीं है हो सकता है कि कुछ गुड्स बिक गए कुछ गुड्स बच गया पॉसिबिलिटी है ना बच्चे ये सर पॉसिबिलिटी है और सोचो जरा कि जितने गुड्स भेजे गए हैं अगर सारे गुड्स ना बिके तो फिर क्या होगा कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा और क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू बन जाएगा क्वेश्चन नंबर टू बन जाएगा क्वेश्चन नंबर टू बन जाएगा अरे आप ही की बात कर रहा हूं कि अगर सारे गुड्स नहीं बिके तो कुछ गुड्स कंसाइनी के पास बच गए अगर कंसाइनी के पास बच गए साल के एंड में तो कंसाइनी उनको अगले साल बेचेगा तो इस साल जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो उसको तो क्या दिखाएंगे जी क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक दिखाएंगे अब क्लोजिंग की अगर आएंगी तो क्वेश्चन कैसा बनेगा आप पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर टू पढ़ो मेरे बुकलेट में पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर टू क्या बता रहा है अरे पढ़ो ना आप ही को बोल रहा पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर वन इसी क्वेश्चन में आप एज्यूम करें कहता है कि मोहन सोल्ड ओनली एट्टी परसेंट ऑफ द कंसाइनमेंट एट द रेट ऑफ टू फिफ्ट टू फिफ्टी एच मेरे बच्चे कहता कि क्वेश्चन वन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है नो चेंज एट ऑल सिर्फ उसमें जो सारे गुड्स थे यानी कि हंड्रेड परसेंट गुड्स जो बिके थे पिछले वाले क्वेश्चन में इस बार सिर्फ एट्टी परसेंट गुड्स बिका तो फिर क्या करेंगे मेरे बच्चे मैं तो इसका आंसर यहीं पर कराऊंगा मैं इसका आंसर यहीं पे कराऊंगा लेकिन आपको अब आप एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा आपको लिखना होगा अलग से क्योंकि आप इस पर चेंज नहीं करना अदरवाइज आपको रिवीजन में दिक्कत हो जाएगा आपको दोबारा लिखना होगा कि आंसर है ये क्वेश्चन नंबर टू का यह सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू कर रहे हैं और देखो आपने क्या करना है पहले सुन लो मेरी बात उसके बाद आप लिखना अभी पहले सुन लो मेरे बच्चे गुड्स कितने भेजे गए ट्वेंटी सेम एंट्री कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किया सेम एंट्री

ये आपका अब सारे गुड्स थोड़े बिके हैं एटी परसेंट बिका है तो बाईमोहन ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या होगा जी अब सारे गुड्स नहीं बिके तो मेरे बच्चे हमें उस केस में क्या होगा कि यहां इनको चेंज करना होगा दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर ही क्वेश्चन नंबर टू है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्वेंटी थाउजेंड का हुआ एक्सपेंसिज कंसाइनर ने किया ने एवरी थिंग इज सेम एक्सेप्ट सेल्स और सेल्स पे जो चीजें टिकी हुई है यानी कि कमीशन हमारा मैं एक सेकेंड के लिए किनारे हो जाता हूं एक सेकंड के लिए किनारे हो जाता हूं और आप क्या करेंगे इतनी बातों को कॉपी करके अपना रख लें आप ताकि आप इसके साथ फिर आगे बढ़े

आई अब मैं मानता हूं कि आपने लिख लिया बच्चे अब उसके आगे शुरू करते हैं जरा चेक करो आप क्वेश्चन नंबर टू में मोहन सोल्ड ओनली 80 परसेंट ऑफ द कंसाइनमेंट तो मुझे बताओ कि 20,000 जो यूनिट्स भेजे गए थे

थाउजेंड बिक गया तो कितना बच गया four thousand. जो बच गया ना बच्चे वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है एंड क्लोजिंग स्टॉक को इस चैप्टर में हम स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से जानते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आपका कितने यूनिट्स का हो गया स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपका फोर थाउजेंड यूनिट का फोर थाउजेंड ये फोर थाउजेंड की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना होगा हम देख लेंगे बाद में लेकिन पहले हम बाकी चीजें कंप्लीट कर लें यहां पे मेरे बच्चे एक तो आपका कमीशन का एंट्री जी टू मोहन अकाउंट टू मोहन अकाउंट तो मुझे बताओ कि अब यहाँ पे कमीशन अगर हम निकालते हैं फाइव परसेंट ऑन सेल्स तो कमीशन कितना बनता है सर फाइव परसेंट अगर हम लेंगे, ना इट और को निकालने के हमें कंसाइनमेंट जानना होगा चैप्टर का अगला पड़ाव है अगला कॉन्सेप्ट है मुझे इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा एक चीज है मेरे पास जिसको मुझे अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चे ये वो शक्ति है जो शंकर भगवान ने मुझे दी हुई है कसम से झूठ नहीं बोला मैं चैप्टर मुझे बहुत परेशान करता था जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा दिखता था पर बच्चे मैं मैं इतना परेशान हो गया था एक टाइम पे कि मुझे क्या बताऊं मैं डिप्रेशन में चला गया और 35-40 साल तक भी यह चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया था तो मैं चला गया हिमालय पे वहां से आत्महत्या करने के लिए नीचे कुदने ही माला था कि शंकर भगवान मेरे पास आए उन्होंने कहा कि क्यों कूद रहे हो मैंने कहा कि हमें चैप्टर समझ में नहीं आता उन्होंने कोई बात नहीं कहा कि यह पी लो आप उन्होंने दिया मेरे बच्चे और इसको पीते ही क्या हुआ कि मैं चैप्टर को समझ गया और वही मैं आपको बार बार पी के वो शक्ति ग्रहण करता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं सुनेंगे मेरी बात ध्यान से यहां पे क्या है मेरा अगला टॉपिक है आप यहां पे नोट लिखे आप नोट हमने कितना लिखा था तीन लिखा था ना वन टू थ्री आपका वो कंसाइनमेंट प्रॉफिट लॉस है ये नोट नंबर फोर या फिर उसको नोट नंबर वन में वन टू थ्री पॉइंट कर दो नोट नंबर टू लिखो आप यहाँ पे नोट नंबर टू मैं आपको सिखा रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ कैसे कंप्यूट करते हैं या फिर एक काम करो क्या मैं यहां नहीं क्योंकि यहां तो मैं आपके लिए आंसर करूंगा आप भी क्या करो ना कि इसके बाद आप एक पे छोड़ दो और एक पे छोड़ के मेरे बच्चे फिर लिखो आप यहां पे आपको सिखा रहा हूं नोट नंबर टू के अंदर में नोट नंबर टू के अंदर में कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट पे जो आपके पास स्टॉक है आखिर उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएंगी उसको मैं आपको यहां पे बता रहा हूं मेरे बच्चे है ना याद करो अभी तक आपका जो बचपन में आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस पढ़ा था वहां पे क्लोजिंग स्टॉक की हमेशा वैल्यू आपको दी रहती थी लेकिन यहां पे क्या करना है कि आपको उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना होगा और यही क्वेश्चन का आपका जान है तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकाला जाएगा लिखिए मेरे साथ यहां पे इसका क्या होगा मेरे बच्चे आप आप लिखेंगे परचेज प्राइस लिखेंगे परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है एक तो आप उसका परचेज प्राइस लोगे परचेज प्राइस है ना जो भी अमाउंट होगा है ना परचेज प्राइस इसमें मेरे बच्चे आप यहां पे ऐड करेंगे आप ऐड करेंगे क्या प्रोपोर्शनेट आप ऐड करेंगे यहां पे प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसिज नॉन रेकरिंग एक्सपेंसिज प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसिज सर ये क्या होता है बताऊंगा बच्चे लिखो तो पहले आप प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग इनकर्ड बाय आपका एक तो कंसाइनर 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 और एक हमारा कंसाइनी कंसाइनी है ना कहते हैं कि जो भी आपके क्लोजिंग स्टॉक का परचेज प्राइस है वो लेना फिर कंसाइनर ने और कंसाइनी ने जो भी नॉन रेकरिंग खर्चे किए होंगे प्रोपोर्शनेटली वो ऐड करना फिर जो आएगा मेरे बच्चे यही कहा जाएगा वैल्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक

आपके साथ वो नहीं होगा मैं विश्वास दिलाता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं यहां होते पहले हमें उसको समझना पड़ेगा और क्यों वो एक्सपेंसिज हम ऐड करेंगे उसको हमें जानना होगा ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे इसी बात को समझाने के लिए मैं चाहता हूं ना कि आपको कुछ मैं यहां पे दिखाऊं आप ध्यान देना मैं एक डायग्राम बनाऊंगा ये डायग्राम आपको मेरे साथ बनाना है या रुक जाओ फिर आपको पता ही चलेगा कितना डायग्राम होगा ये डायग्राम पहले मुझे बना लेने दो जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको बनाना है वीडियो को पॉज करके अभी नहीं है ना और जो चीजें यहां पे बताऊंगा ना अपने दिमाग में यहां पे उसको क्रिएट करने की कोशिश करना देखो मैं क्या बता रहा हूं ये रहा हमारा कंसाइनर है ना ये हमारा कौन रहा जी कंसाइनर तो मैं कंसाइनर को मैं कंसाइनर बोलूं या पी बोल दूं मैं पी बोल देता हूं ताकि आपको चलो कंसाइनर का रिविजन के टाइम पे आप ये ना पूछो कि सर ये आपका पी कौन है तो हमने लिख दिया कंसाइनर आपका है. ठीक है ना मेरे बच्चे ये रहा इस कंसाइनर का यहाँ पे गोडाउन ये वो गोडाउन है कंसाइनर का जहां पे ये अपने गुड्स को स्टोर करके रखता है और ये रहा मेरे बच्चे यहाँ पे कंसाइनी ये हमारा रहा ये वो कनसाइनी है ना कहीं दूर है ना वो दूर जगह कहीं पे आपका ये हमारा कनसाइनी रहा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कंसाइनी का यहां पे क्या है कंसाइनी का मेरे बच्चे ये रहा उसका गोडाउन ये उसका गोडाउन है है ना बहुत ध्यान से समझना सारी बातें क्लियर होगी ये गोडाउन है जहाँ पे गुड्स को लाके वो स्टोर करेगा और गोडाउन के बाद ये रहा उसका शोरूम शोरूम यानी कि से वो गुड्स को क्या करता है जी सेल करता है अपनी शॉप या शोरूम कुछ भी कह दो आप यहाँ पे है ना तो देखो हुआ क्या समझेंगे मेरी बात कंसाइनर मेरे बच्चे एक तो कन्फर्मड है कि जो भी एक्सपेंसिज आपका होगा आप देखो जरा कि नॉन डेकरिंग क्या होता है क्या नहीं होता अभी मुझे नहीं पता बट इतना पक्का है कि जो भी एक्सपेंसिज होंगे ना जो भी वो देखो आप यहीं पे हो रहे हैं ये हो रहा ना एक्सपेंसिव आपका ये सारे खर्चे दिख रहे हैं जी इन्हीं खर्चों में से कुछ का नाम नॉन डेकरिंग होगा वो क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे हम पता करेंगे बिना रटाफिकेशन के ये देखिए आप ये कंसाइनर का गोडाउन है देखो कंसाइनर ने जो गुड्स कंसाइनी के पास भेजना है उसको यहां पे स्टोर करके रखा होगा अब जब गुड्स वो कंसाइनी के पास भेजेगा तो क्या करेगा जी गुड्स को वो गोडाउन से निकालेगा और निकाल के मेरे बच्चे वो लोड करेगा इस ट्रक के ऊपर में देखो ट्रक मुझे ठीक से ड्राइंग नहीं आता बट चार चक्के का मतलब ट्रक समझ लेना कि कंसाइनर गोडाउन से गुड्स निकालेगा और कंसाइनी के पास भेजने के लिए क्या करेगा जी ट्रक पे लोड करेगा मेरे बच्चे जब कंसाइनर गोडाउन से गुड्स निकालेगा ना और ट्रक पे लोड करेगा तो यहाँ पे कुछ वर्कर्स ने काम किया होगा जो गोडाउन से गुड्स को निकालना और फिर आपका ट्रक पे उसको लोड करना माफ कीजिए गोडाउन से उसको आपका लोड करना मतलब गोडाउन से उठाना और ट्रक पे अनलोड करना ये लोड अनलोड जो किया होगा उसके लिए हमें उस इंप्लॉई उस को माफ कीजिए उस वर्कर को हमने कुछ पेमेंट किया होगा तो यहां से गुड्स जो आपका स्पेस आपका लोड हुआ ना बच्चे तो कंसाइनर को क्या पे करना होगा जी लोडिंग अनलोडिंग चार्ज लोडिंग का मतलब कि सर पे उठाना अनलोड का मतलब कि ट्रक पे रखना तो लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझेंगे आपको सारी बातें समझनी पड़ेंगी दूसरे बच्चों से अलग होना पड़ेगा इस चैप्टर पे मास्टरी करने के लिए तो कंसाइनर ने क्या किया गोडाउन से गुड्स निकाला ट्रक पे रखा तो लोडिंग अलोडिंग पे किया अब मेरे बच्चे ये ट्रक यहाँ से चलेगा और चलते चलते कन्साइनी की तरफ जाएगा आप मुझे बताओ कि ये जो रास्ता है जिससे ट्रक आपका जाएगा क्या ये रास्ता जो जहाँ से ट्रक जाएगा ये रास्ता पे ट्रक फ्री में चला जाएगा क्या क्या ट्रक वाला कुछ पेमेंट आपसे नहीं लेगा सर लेगा तो अगर हमने इसको कुछ पेमेंट किया होगा तो रास्ते का हमने क्या पे किया जी फ्रेड पे किया बच्चे फ्रेड है ना फ्रेड पे किया होगा ये फ्रेड किसने पे किया होगा ऑब्वियस बात है कंसाइनर ने क्योंकि ये भेज रहा आपका ठीक है अच्छा इसको डर लगा कि कहीं ट्रक का एक्सीडेंट ना हो जाए कुछ ये ना हो जाए तो ट्रक का इसने क्या करा दिया होगा इंश्योरेंस करा दिया होगा

जाएगा कई तरीके से गुड्स भेज सकते हैं अगर हमने एयरवे से भेजा होगा तो एयरपोर्ट पर रुक जाएगा अगर हमने शिप के थ्रू भेजा होगा तो पोर्ट पे जाके गुड्स रुक जाएगा होता ना बच्चे स्टेशन पे मतलब जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है जहाँ पे वो रुकता है वहाँ पे क्या होगा जी आपका गुड्स जाके वहाँ पे रुक जाएगा ना यहाँ से अब कंसाइनी आएगा और गुड्स को क्या करेगा क्लियर कराएगा क्लियर मतलब कि कुछ पेपर वर्क होगा और फिर गुड्स को अपने हाथ में वो टेक ओवर लेगा तो मेरे बच्चे केस में कंसाइनी को यहाँ पे क्या पे करना होगा जी क्लियरिंग चार्ज अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया भी था क्लियरिंग चार्जेस पे किया होगा है ना क्लियरिंग चार्ज का मतलब समझ गए ना कि स्टेशन या पोर्ट से गुड्स को जब अपने हाथ हैंड ओवर लेगा तो कुछ चार्जेस जो पे करने होते तो वो पे करेगा अब गुड्स कंसाइनी के पास आ गया तो बच्चे कंसाइनी फिर क्या करेगा यहाँ पे एक दूसरे ट्रक पे गुड्स को क्या करेगा आपका लोड करेगा और अपने गोडाउन में लेकर जाएगा अगेन यहाँ पे गुड्स को उठाना और इस पर आपको रखना लोड अनलोड यहाँ पे दोबारा चांसेज है कि पेमेंट करना पड़ जाए क्या जी लोडिंग अनलोडिंग चार्ज लोडिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज कुछ भी हो सकता है आपको बस दिमाग को शार्प रखना पड़ेगा लोडिंग और अनलोडिंग तो ने क्या, क्या स्टेशन से गुड्स उठाया क्या, क्या क्या? लोड किया तो यहां पे लोडिंग अनलोडिंग चार्ज पे किया अब ये ट्रक वाला गुड्स लेके कहा जाएगा कंसाइनी के गोडाउन में तो इस ट्रक वाले को हमने इस रास्ते का भाड़ा पे किया होगा इस रास्ते के भाड़े को क्या बोलेंगे टू गो गो डाउन, टू डाउन। मतलब गोडाउन में पहुंचाने तक का भाड़ा पे किया है ना गोडाउन में पहुंचाने तक का भाड़ा इसके बाद मेरे बच्चे अब गुड्स कहाँ पे आ गया जी कंसाइनी के गोडाउन में जब कंसाइनी के गोडाउन में आ गया तो कंसाइनी के गोडाउन और गोडाउन शुरू में बहुत सारे खर्चे होते हैं जैसे कि मैं बताऊं कि ये गोडाउन का रेंट आपने पे किया होगा आपने इस गोडाउन का यहाँ पे इंश्योरेंस कराया होगा है ना याद रखना रास्ते का इंश्योरेंस जनरली कौन कराता है कंसाइनर तो वो पूरा रास्ता कवर होता है तो वो ठीक है जब कंसाइनी कोई इंश्योरेंस करा रहा है कुछ ना बताया तो हमेशा क्या मानेंगे कि यार उसने अपने गोडाउन शोरूम का किराया होगा और भी कितने सारे खर्चे इन गोडाउन शोरूम का आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहेगा चार्जेज मैं कितने नाम लू इलेक्ट्रिसिटी रहा होगा यहां पे आपने एडवर्टीजमेंट कराया होगा गुड्स को सेल करते समय आपने हो सकता है कि कुछ इंप्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अपने सैलरी पे किया होगा हो सकता है कुछ वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अपने वेजेज पे किया होगा हो सकता है मैं क्या बताऊँ लाखों खर्चे हो सकते हैं मेरे बच्चे लाखों जिसकी कोई लिमिट नहीं है आ, आप आप इस बात को जानते हैं तो यह तो पक्का है कि कंसाइनर के गोडाउन से जैसे गुड्स बाहर निकला ना तो कंसाइनमेंट आपका शुरू हो गया कंसाइनमेंट आपका शुरू हो गया है ना इसके गोडाउन से निकलते ही और कंसाइनी ने जो गुड्स को सेल कर दिया शोरूम के थ्रू तो कंसाइनमेंट वहीं पर आके एंड हो गया कंफर्मड है कि जितने भी एक्सपेंसिव होंगे वो इन्हीं ड्यूरेशन में आपके होंगे और इसी ड्यूरेशन में मेरे बच्चे कुछ खर्चों को हम क्या बोलेंगे आपका नॉन रेकरिंग इनमें से कुछ खर्चों को क्या बोलेंगे नॉन रेकरिंग आइए मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है दूसरा दु, दु, कलर लेता हूं ना ताकि आपको प्रॉपर दिखेगा देखो नॉन रेकरिंग का मतलब आप रटना नहीं आप कहना कि भैया कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स को निकालना ये देखो आप गुड्स निकला और कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स का पहुंचना ये देखो आप यहां पहुंचना नहीं पहुंचने के पहले तक ये जो एक्सपेंसिज आपके होंगे ना बच्चे ये जो एक्सपेंसिज होंगे इन्हीं को हम क्या बोलेंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसिज नॉन रेकरिंग एक्सपेंसिज बस नॉन रेकरिंग मतलब कि नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है बहुत क्लियर कट मेरी बात समझना पूरे कंसाइनमेंट में आगे जितने भी टफ बातें आने वाली है ना अभी जो भी बातें आने वाली है, सब इसी पॉइंट पे टिका हुआ है और यही बच्चे परेशान होते हैं

हमने गोडाउन को यहां पे टच नहीं किया मेरे बच्चे क्योंकि गोडाउन ऑनवर्ड जो खर्चे होते हैं ना दे आर नॉट कॉल्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसिज नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि बस यहां से चला और यहां पे आके खत्म हो गया ये जो आपके एक्सपेंसिज होंगे ना उन्हीं को सिर्फ हम कहेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसिज मेरी बातें समझ लो मैं क्या बता रहा हूं नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा कि कंसाइनर के गोडाउन से निकलना और कंसाइनिंग में के गोडाउन में पहुंचने के पहले तक के जो खर्चे होंगे वो नॉन रिकरिंग होंगे इसके बाद इसके बाद मेरे बच्चे इसके बाद के जितने भी खर्चे हो जाए ना मतलब कि कंसाइनी के गोडाउन को मैंने पकड़ा और उसके बाद के सारे खर्चे सारे खर्चे इन खर्चों को मैं क्या बोल दूंगा फिर आपका रेकरिंग एक्सपेंसिज रेकरिंग एक्सपेंसिज आपका तो इतना सिंपल तो यहां पे क्लासिफिकेशन है. है ना आपका ये नॉन रेकरिंग और उसको क्या बोलेंगे रेकरिंग आपका अगर मैं सिंपल शब्द में आपको बताऊ ना सिंपल शब्दों में तो यार नॉन रेकरिंग का मतलब होता है सिंपली रास्ते के खर्चे ये देखो आप सिर्फ रास्ते के हमने बात किया जो खर्चे रास्ते के होते ना बच्चे रास्ते के ट्रांसपोर्टेशन के चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे कंसाइनर करे चाहे कंसाइन करे ये जो रास्ते के खर्चे है ना दे आर ओनली कॉल्ड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसिज ये रास्ते के बाद जो खर्चे होंगे यानी कि कंसाइनिंग के गोडाउन ऑनवर्ड जो खर्चे होंगे हम क्या बोलेंगे Recaring, एक बात और बता दूं कि आपका इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मटेरियल में इनको एक और भी नाम से जानता है वो कहता है भैया नॉन रेकरिंग या फिर इसी को कह देगा नॉन सेलिंग नॉन सेलिंग इसको हम नॉन सेलिंग एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं तो आप परेशान मत हो जाना नॉन सेलिंग एक्सपेंस जब भी बोलेगा इसका मतलब कि वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस की बात कर रहा है मतलब वो रास्ते के खर्च की बात कर रहा है तो मेरे बच्चे नो no डाउट की रेकरिंग को हम क्या करेंगे यहां पे सेलिंग एक्सपेंस का नाम देंगे Sailing. कुछ बच्चे कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि यार नॉन रेकरिंग नॉन सेलिंग का नॉन रेकरिंग और रेकरिंग मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंसिस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन है क्या जो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में पढ़ते हैं मेरे बच्चे वो क्लासिफिकेशन नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे प्रॉफिट लॉस के खर्चे जो दिखाते थे, थे डायरेक्ट इंडर वो यहां पे काम है ही नहीं अदरवाइज आप पता क्या करोगे अगर एग्जाम में आ जाना वेजेज वेजेज पे क्या तो आप कहीं वेजेज को आप ये नॉन रेकरिंग मत समझ लेना अरे ये तो गोडाउन ऑनवर्ड खर्चे वो रेकरिंग में आते हैं समझो मेरी बात मैं क्या बता रहा हूं सिंपल सब क्लासिफिकेशन सब कुछ दिमाग से हटाओ रास्ते में जो खर्चे होंगे उनको नॉन रेकरिंग कहेंगे और रास्ते के बाद के खर्चे उसको हम रेकरिंग कहेंगे अंदर में ये सर और हाँ नॉन रेकरिंग को एक और भी नाम से जानते हैं जिसका नाम है नॉन सेलिंग और रेकरिंग को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है आपका सेलिंग एक्सपेंस एग्जाम में कभी कभी नॉन सेलिंग कह देगा तो आप नॉन रेकरिंग समझ लेना और कभी कभी सेलिंग कह देगा तो उसको रेकरिंग समझ लेना को डाउट अब मैं यहाँ पे कोने में आ जाता हूँ वीडियो को पॉज करके पहले आप इस डायग्राम को बनाइए फिर मुझे कुछ नोट लिखाना है फिर आपको मैं स्ट्रोंग करूंगा आज ही करूंगा मुझे अगला अगला दिन नहीं करना आज ही करना है प्लीज कॉपी कीजिए आप इसको हो गया सर हो गया तो मेरे बच्चे अब मैं आपको कुछ नोट लिखाता हूं क्योंकि हमें टफ टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं मस्त मस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने है, तो आपका क्या यहां पे? इस डायग्राम के बाद लिखेंगे आप यहां पे आ, आपका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं पॉइंट्स नंबर ए नंबर ए इससे जुड़ा हुआ पता है क्या देना नजर यहां देखो जो खर्चे यहां पे कंसाइनर कर रहा है नजर डालना कंसाइनर क्या खर्च करता है जी गोडाउन से निकाला लोडिंग अलोडिंग फिर आपका फ्रेट इंश्योरेंस ये जो खर्चे कर रहा है ये खर्चे क्या देख रहे हो आप जनरली रास्ते में हो रहा है ना बच्चे रास्ते में हो रहा है ये सर तो पता मैं क्यों बता रहा हूं एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि एक्सपेंसिज का नाम नहीं बताएगा जो एक्सपेंसिज है ना लोडिंग अलोडिंग फ्रेट ये नाम नहीं बताएगा वो कह देगा एक्सपेंसिज इनकर्ड बाई कंसाइनर मैं क्वेश्चन दिखाऊं क्या जहां पे ऐसा बोल रहा होगा हां जैसे कि आप फिफ्थ क्वेश्चन देखो ना फिफ्थ क्वेश्चन एक बार ऐसे पढ़ लो थोड़ा सा फिफ्थ पढ़ो जरा पांचवा क्वेश्चन कहता है टेन थाउजेंड पेन वे सेंट बाय रोहित ऑफ दिल्ली टू मोहित ऑफ मुंबई कॉस्टिंग ट्वेंटी रोहित इनकर्ड फाइव ऑन सेंडिंग द गुड्स टू मोहित प्लेस रोहित ने क्या किया फाइव थाउजेंड एक्सपेंस रोहित मतलब कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है बच्चे अगर आप एक्सपेंसिज के हमें नाम बताओ ना कि कौन से नाम है तब तो मैं क्लासिफिकेशन करूं कि वो नॉन रेकरिंग है कि रेकरिंग है जैसे कि क्वेश्चन नंबर टू अभी जो हम लोगों ने कर रहे हैं उसमें आपको नाम पता है कि आपका ये खर्च है ये खर्च हम वहां पे क्लासिफिकेशन करेंगे लेकिन यहां पे हमें क्वेश्चन सिर्फ ये कर दिया कि भैया रोहित यानी कि कंसाइनर ने इतना खर्च किया तो जब जो खर्चे कंसाइनर ने किया वो नहीं बता रहा कौन कौन से नाम है उसके अंदर में तो हम उसको क्या माने क्या माने तो मेरे बच्चे आप अपने बुद्धि को अपने दिमाग को आप यूज करना आ, उसके एजम्शन के अंदर पता क्या अब ध्यान से देखो कि जो भी खर्चे कंफाइनर कर रहा है ना वो जनरली खर्चे रास्ते के हो रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं खर्चे रास्ते के होते हैं तो इसलिए हमारा पहला एजम्शन कि इफ नॉट इफ नॉट स्पेसिफिकली इफ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन शन कॉमा वी एज्यूम वी एज्यूम एक्सपेंसिज इनकट एक्सपेंसिज इनकट इनकट बाय द कंसाइनर बाय द कंसाइनर कंसाइनर आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर नॉन रेकरिंग नेचर आप समझे मेरी बात हम भगवान नहीं मेरे बच्चे या तो आप एक्सपेंसिज के नाम बताइए कौन कौन से एक्सपेंसिज है मैं उसका क्लासिफिकेशन कर लूंगा वो रास्ते के हैं कि रास्ते के बाद के मतलब नॉन रिकरिंग है कि रिकरिंग है लेकिन अगर आप कुछ ना बताओ सिर्फ कह दो कि कंसाइनर ने खर्च किया तो हम क्या मानेंगे उसने गुड्स को भेजने में खर्च किया होगा नॉन रेकरिंग मानते हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी नंबर बी कहते हैं कि इफ नॉट मैं इफ नॉट स्पेसिफिकली मैंशन अगर स्पेसिफिकली आपको एक्सपेंसेज के नाम नहीं बताता इफ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, वी एज्यूम, वी एज्यूम, वी एज्यूम, एक्सपेंसेज इनकर्ड, एक्सपेंसेज इनकर्ड, इनकर्ड, बाय द कंसाइनी बाय द कंसाइनी बाय द कंसाइनी आर ऑफ क्या मानू मैं जरा बताओ चलो हमने देखा कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भैया कंसाइनर ने इतने खर्च किया बट नाम नहीं बताया तो हम क्या मान लेंगे जी नॉन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे लेकिन अगर मान लो कि कंसाइनी के खर्चे तो मैं क्या देख रहा हूँ जी कंसाइनी के खर्चे गोडाउन के पहले भी यहां पे कई सारे कर रहा वो ये देखो आप और गोडाउन एन शोरूम इसके बाद के भी खर्चे कर रहा तो फिर मैं क्या करूं तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कंसाइनी के खर्चे वो नहीं बताता कि रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है मतलब ये खर्च नाम नहीं बताता तो आपको अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हुए इनकट बाय कंसाइनी आर ऑफ रेकरिंग नेचर रेकरिंग रेकरिंग का मतलब कि सेलिंग एक्सपेंसिज रेकरिंग नेचर मानते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये बात ध्यान रखना दो एज्शन आपके पास रहेंगे ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका है वो आपको ये अलाउ करता है यही करना एक्चुअली आपका इंस्टीट्यूट में सभी लोग यही काम करते हैं तो हम ये मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर मैंने क्या बताया जी खर्च के अगर वो नाम बता देगा तो आप नाम का क्लासिफिकेशन कर लेना अगर खर्च का नाम नहीं बताता है वो कहता है कि भैया कंसाइनर ने खर्च किया तो हम क्या मान लेंगे नॉन रेकरिंग कंसाइनिंग ने खर्च किया नाम ना बताया कि कहां का कौन सा खर्च तो हम क्या मानेंगे रेकरिंग मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे

अरे कहा चला गया वो बदमाश फिर हमने बोला कि आप इसमें नॉन रेकिंग खर्चे ऐड कर देंगे प्रोपोशनेट हमने प्रोपोशनेट क्यों बोला इसका भी रीजन है मेरे बच्चे जो खर्चे यहां पे रास्ते में किए गए होंगे ना रास्ते में जो किए गए होंगे वो सारे गुड्स को भेजने में किए गए होंगे सारे गुड्स को मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर में इस क्वेश्चन के अंदर में ये जो कंसाइनर ने खर्च किया था कहां चला गया वो क्वेश्चन ये रहा ये देखिए कंसाइनर ने जो ये सब जो खर्चे किए थे जो नॉन एक खर्चे हुए होंगे वो कितने यूनिट्स पे हुए होंगे वो ट्वेंटी थाउजेंड है ना जो भी भाड़ा पे किया गया जो भी इंश्योरेंस हुआ जो भी खर्चे हुए वो ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट पे किए गए होंगे बीस हजार रुपए तो क्या सारे खर्चे हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दे क्या नहीं सर ये खर्चे सारे गुड्स पे हुआ है, हमें तो सिर्फ फोर थाउजेंड पे लेना है तो प्रोपोर्शनेटली जो खर्च आपने फोर थाउजेंड किया होगा ना मतलब क्लोजिंग स्टॉक पे वही खर्चे सिर्फ हमें ऐड करने मेरे बच्चों यानी कि हमें क्या करना है कि आपको यहां पे जब भी आपको लेना है तो परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक उसमें ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट नॉन मतलब रास्ते के जो खर्चे होंगे वो प्रोपोर्शनेटली ऐड करेंगे चाहे वो खर्चे कंसा करें चाहे कन्फाइनिंग करे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल के आ जाएगी अब मैं आपको यही चीज यही चीज अब आपको उस क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर टू के अंदर में आप मेरी बातें समझ रहे हो ना ये सर आपको अच्छा लग रहा ना येस सर तो आइए जरा मैं यहाँ पे आपको बताऊं सुनेंगे मेरी बात ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर टू कर रहे हैं मैं इसका अब आपको वर्किंग दिखा रहा हूं बच्चे अपने जगह यहां पे छोड़ा था ना वर्किंग नोट आपका और वर्किंग नोट नंबर वन हमें क्या लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आपके पास जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है हम उसकी यहां पे वैल्यू निकाल रहे हैं मुझे बताओ कितने यूनिट्स हमारे पास है फोर थाउजेंड तो मेरे बच्चे फोर थाउजेंड आपका जो यूनिट्स है हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे पता करने की कोशिश कर रहे हैं फोर थाउजेंड बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया था हम क्या लेंगे जी पहले लेंगे परचेज प्राइस साथ साथ लिखिए अब यहाँ पे परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है ना जो क्लोजिंग स्टॉक है हम उसका परचेज प्राइस लेंगे मुझे बताओ कितने यूनिट्स हमारे पास है फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड यूनिट्स आपका अच्छा मुझे बताइए एक यूनिट का आपका परचेज प्राइस कितना है सर हंड्रेड तो अमाउंट कितना हो गया फोर लैक्स रुपीज एक तो आपका ये हो गया है ना परचेज प्राइस आपका यही नहीं मेरे बच्चे हम इसमें अब ऐड करेंगे आपका प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग मतलब रास्ते के जब भी नॉन रेकरिंग मतलब रास्ते के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेज एक्सपेंसेज इनकर्ड एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय बाय क्या जी एक तो कंसाइनर कंसाइनर यहाँ पे कौन है बच्चे राम तो राम के खर्चे और एक आपका कंसाइनी कंसाइनी यहाँ पे कौन है सर मोहन तो मोहन के खर्चे दोनों के आपके रास्ते के खर्चे क्या करने होंगे यहाँ पे ऐड करने होंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हर एक एक्सपेंस का वो नाम बता रहा बच्चे तो नाम जब देगा ना तो आपको खुद क्लासिफाई करना होगा कि खर्चे रेकरिंग है कि नॉन है और तरीका मैंने सोचने का आपको बता दिया है रास्ते के खर्चे दिख जाए तो बोल देना नॉन रेकरिंग रास्ते के बाद के खर्चे गोडाउन शोरूम का बोल देना रेकरिंग आइए मैं पहचानता हूं कि यहां पर नॉन रेकरिंग कौन कौन से नॉन रिकरिंग ये देखो कंसाइनर ने बचे फ्रेड पे किया था और इंश्योरेंस पे किया था मुझे बताओ जो कंसाइनर फ्रेट इंश्योरेंस पे करेगा वो का ना है। जब वो नाम बता देगा जब नाम नहीं बताता ना बच्चे तब हम क्या करेंगे इस एजमशन पे काम करेंगे तो क्योंकि उसने नाम बता दिया तो हमने पहचाना जी कि रास्ते के खर्चे कितने हो गए आपका यहां देखिए तो ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी था मेरे बच्चे आप कहना यहाँ पे जो नॉन ने किया है वो आपका यहां पे का अमाउंट है मुझे बताओ ट्वेंटी था कितने को भेजने में ट्वेंटी तो थाउजेंड को जितने यूनिट्स पे खर्च किया गया था ना आप उससे डिवाइड कर दो ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो ट्वेंटी थाउजेंड का इंश्योरेंस हमने ट्वेंटी थाउजेंड पे पे किया था तो यानी कि एक यूनिट पे जो आपने रास्ते के खर्च किए थे कितना जी एक रुपया ट्वेंटी बाई ट्वेंटी एक ही रुपया तो हुआ तो अगर एक यूनिट पे वन रुपये तो बताओ फोर थाउजेंड यूनिट पे फोर थाउजेंड यूनिट पे आपने जो नॉन डेकरिंग यानी कि रास्ते के आपने खर्च किए होंगे कितना किया होगा फोर थाउजेंड का अमाउंट होगी बात प्रोपोर्शनेट हमें लेना है आप पूरे ट्वेंटी को मत ऐड कर देना बदमाश फिर काम खराब हो जाएगा आपने कहना कि भैया ट्वेंटी जो भाड़ा हमने पे किया था दैट वॉज ऑन ट्वेंटी थाउजेंड आपका तो फोर रुपये कितना वो निकल के आया समझो मेरी बात ना ये सर अब आइए कंसाइनी के खर्चे कंसाइनी के मुझे बताओ खर्चे कौन कौन से किए ओहो कंसाइनी के तो बहुत सारे खर्चे हैं आओ ना पहचानते हैं इसमें नॉन रेकरिंग कौन से अब हमारा दिमाग यूज होगा क्लियरिंग चार्ज ये देखो क्लियरिंग चार्ज हमारा क्या है इट्स नॉन रेकरिंग मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे दोनों पिक्चर एक साथ क्लियरिंग चार्ज क्या है जी हमारा ये देखो कहा गया सॉरी क्लियरिंग uh, चार्ज क्या ये देखो आप क्लियरिंग पे किया था ना तो क्या बोलेंगे आपका नॉन रेकरिंग अरे कंसाइनी ने जब स्टेशन से गुड्स उठाया तो आपको कुछ पेपर वर्क करना पड़ा वो रास्ते का ही तो खर्च हुआ गोडाउन में पहुंचने के पहले का नॉन रेकरिंग तो हमने कहा कि भैया एक तो आपका ही हो गया नॉन रेकरिंग इसको हम ले लेंगे फ्रे टू गोडाउन ये देखिए फ्रे टू गोडाउन जो फ्रेट टू गोडाउन था वो भी क्या था ये देखो रास्ते के खर्चे है ना गोडाउन पहुंचने के पहले का खर्चा आपका फ्रेट टू गोडाउन तो ये भी हमारा क्या हो गया नॉन रेकरिंग गोडाउन आपका नॉन तो गो रेकरिंग रेंट ऑफ गोडाउन गोडाउन का रेंट अरे जो गोडाउन का रेंट होगा वो देखो ये तो गोडाउन का रेंट ये तो ऊपर चला गया यहाँ पे ये तो इस, इस घेरे में चला गया ना बच्चे तो ये क्या हो गया आपका रेकरिंग हो गया हमने तो सिंपली कहा कि रास्ते के जो खर्चे होंगे वो नॉन निकलेंगे होंगे तो मेरे बच्चे इसका मतलब क्या ये जो खर्च है ना ये आपका क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने में आप कंसिडर नहीं करेंगे एक्सपेंसिज प्रॉफिट को निकालते समय सारे रिकॉर्ड होंगे जब हम प्रॉफिट निकालते हैं मेरे बच्चे तो सारे एक्सपेंसिज आपको रिकॉर्ड करना है रेकरिंग रेकरिंग हो चाहे नॉन क्या फर्क पड़ता है लेकिन जब आप स्टॉक की वैल्यू को निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन रेकरिंग खर्च रेकरिंग में दो ये हो गया ये इंश्योरेंस मैंने बताया था आप शायद नहीं ध्यान दिए थे कि कंसाइनी जब भी इंश्योरेंस कराएगा साफ साफ ना बताया तो अपने गोडाउन का कराएगा अपने शोरूम का कराएगा ये देखो आप तो ये जो गोडाउन शोरूम के आपके हो गए तो रेकरिंग हो गया हम तो रास्ते का जनरली रास्ते का जो होगा वो कौन कराता है कंसाइनर कराता है तो फिर क्या जी वो आपका नॉन रेकरिंग होगा कंसाइनी जो कराएगा अपने गोडाउन शोरूम पर कराएगा कुछ ना बताया तो तो हमेशा क्या वो आपका रेकरिंग वो कंसिडर नहीं करेंगे मतलब ये भी आपके स्टॉक के वैल्यू करने में नहीं आएगा एडवर्टीजमेंट रास्ते से कोई मतलब ही नहीं है लोडिंग अलोडिंग चार्ज जो है आपका रास्ते का है तो मेरे बच्चे सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व प्लस थ्री कितना यहाँ पे कि कंसाइनी ने जो आपके फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज खर्च किए हैं कंसाइनी ने जो फिफ्टीन थाउजेंड खर्च किए हैं ये भी उसने कितने पे खर्च किया है ट्वेंटी थाउजेंड पे उसने भी जो रास्ते के खर्चे किए होंगे मेरे बच्चे ट्वेंटी थाउजेंड पे ही तो किए होंगे तो बताओ जरा उस केस में प्रोपोर्शनेटली जो फोर थाउजेंड यूनिट आपके हैं उस पर कितने खर्च किए गए हैं इट कम्स टू थ्री थाउजेंड का अमाउंट यानी कि ये जो आपका टोटल आ गया इट इज नाउ फोर लैख एंड सेवन थाउजेंड है ना और यही हमारा क्या हो गया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी कि वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आप मुझे बताओ कि क्या आपके अंदर में शक्तियां आ रही है क्या क्या आपके शरीर के अंदर में आत्मविश्वास आ रहा है क्या क्या आप दूसरे बच्चों से अलग अपने आप को फील कर रहे हो क्या ये सर कर रहे हैं क्योंकि चीजों को आप समझ रहे हैं मैं बार बार कहता हूं कि बाकी बच्चे इसको रटते हैं वो आगे जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएगा वो परेशान होंगे लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊं ये टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना बच्चे आपको मजा आएगा आप उसको इंजॉय करोगे मैं हूं ना मैं प्रूफ कराऊंगा अभी अभी हूं आपके साथ क्या हुआ ऐसे क्यों देख रहे हो आओ ना आगे बढ़ते हैं अच्छा मुझे बताओ ये जो मैंने आपको बताया कि नॉन रेकरिंग खर्चे ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात मैंने बता दी क्या अरे नहीं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अरे आप जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे ना मैं ग्यारहवीं बारहवीं क्लास की बात कर रहा हूं तो आपके जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर हुआ करते थे ना उन्होंने बचपन से आपको सिखाया है कि भैया अगर कोई एसेट्स आप परचेज करते हो मान लो कोई आपने क्या किया जी कोई आपने एसी ही परचेज किया तो एसी जब परचेज करते हैं उसको लाकर अपने घर में इंस्टॉल करने तक में जहां पर उसको आपको यूज करना है जितने सारे खर्चे करते तो वो भी हम एसी की के कॉस्ट में ऐड करते हैं ट्वेंटी थाउजेंड का हमने एसी लिया एसी को अपने घर यानी कि ऑफिस में लाने तक में यानी कि हमने जो भाड़ा पे किया वो भी हमारा रास्ते का वो भी हम एसी के कॉस्ट में ऐड करते हैं एसी को इंस्टॉल करने में जो खर्च होते हैं मतलब पहली बार जो खर्च होता है ना नॉन लेकरिंग मतलब पहली बार जो खर्च करते हो वो सभी इंस्टॉल यूज करने लायक बनाने तक में जो खर्चे होंगे हम एसी की कॉस्ट में ऐड करते हैं आपने पढ़ा है अरे यहां भी तो वही कर रहे हैं बदमाश ये कौन सी नई बात हमने भी तो वही किया कि जो चीज़ जिसकी वैल्यू को निकाल रहे हो एक तो आप उसका परचेज प्राइस लो और फिर उसको रास्ते में मतलब उसको जहां पे बेचना वहां तक पहुंचाने तक का जो भी खर्च होगा ना पहुंचाने तक का जो भी खर्च होगा वो सारे खर्चे प्रोपोर्शनेटली क्या करना उसको एड कर देना यही तो बोला मैंने ये कौन सी बड़ी बात कोई नया चीज थोड़े सिखा रहा हो आप सोच रहे क्या मस्त चीज सर ने सिखा दिया और बदकिस्मती देखो बच्चों की कि उनको यह भी नहीं पता होता है कि भैया हम वही काम कर रहे हैं एक्चुअली जो बचपन से करते आ रहे हैं बट एनी अब हमारा काम पूरा हो गया जल्दी से आप इसको क्लोज करके प्रॉफिट निकालो और काम खत्म करो ये लीजिए हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया जी फोर्टी लैख और ये ये हो गया आपका फोर्टी फोर लैख एंड सेवन थाउजेंड का अमाउंट आपका है ना यहाँ लिख देंगे हम फोर्टी फोर लैख एंड सेवन थाउजेंड ठीक है ना उसमें कितना आ गया फोर्टी फोर लैख सेवन थाउजेंड हुआ ना बच्चे फोटी प्लस ही आपका और बचपन में भी तो आप याद यार की जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो क्लोजिंग स्टॉक तो क्या लिखते थे, थे ना वही काम कर रहे हैं तो माइनस आपका ट्वेंटी लैख फिफ्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी लैख फिफ्टी टू थाउजेंड ऊपर का तीन माइनस कर दिया और नीचे का टू लैख रुपेज का कमीशन ये आ गया ट्वेंटी वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी वन फिफ्टी फाइव यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको दिस इज प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आपका ना काम खत्म आप यहां पे आ, क्या नाम है जी वो राम क्या कर रहा है कंसाइनमेंट दूसरा अकाउंट क्या बना लेंगे आप, तो आप मोहन तो आपने कहना है ये आप? मोहन तो मोहन में क्या बोलेंगे टू कंसाइनमेंट जो उसने सेल कर दिया है वो पैसा मुझे उनसे लेना है ना तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना फोर्टी लैक्स रुपये ये हो गया आपका फोर्टी लैक्स फिर आपने यहां पे क्या बोला जी टू मोहन तो यहां पे क्या बोलेंगे बाई कंसाइनमेंट जो आपने एक्सपेंसिज इनकर्ड किया था वो अमाउंट आपको मैं यहां पे पे करूंगा कितना अमाउंट था थर्टी टू थाउजेंड और फिर वो जो आपका कमीशन है बाई कंसाइनमेंट बाई कंसाइनमेंट वो कमीशन कितना था जी टू लैक्स ये भी पे करूंगा तो हमने क्या बोला हमने कहा कि भैया आपने गुड्स को सेल करके फोर्टी लैक्स रुपीज अपने पास रखा हुआ है तो एक काम करो उस फोर्टी लैक्स रुपीज में से आप अपना कमीशन माइनस कर लो और जो आपके एक्सपेंसिज हुए वो माइनस कर लो और तो बाकी पैसा वापस करो तो मेरे बच्चे थर्टी सेवन लैख एंड सिक्सटी एट थाउजेंड ये हम क्या करेंगे बाई बैंक बैंक से वो पैसा हम उनसे वापस ले लेंगे बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर काम खत्म क्या दिक्कत है इसके अंदर में क्यों मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे क्यों आप नहीं कर पाएंगे क्या दिक्कत है इसके अंदर में कॉपी कर लो आप मैं ना यह श्योर होना चाहता हूं कि आपने क्लोजिंग स्टॉक निकालना सीख लिया है इसलिए मेरे बच्चे मैं ना अभी आगे बढ़ने के पहले बुक में या आगे टॉपिक में जाने के पहले एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन और आपको कराना चाहता हूं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन बिल्डिंग क्वेश्चन आपका ठीक है ना लिखी मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर टू हो गया यानी कि एक एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कराया था डायग्राम से टू आपका कहता है कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट साथ साथ लिखेंगे आप यहां ये यह आपको सोल्व करना है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये कहता है आपका टू uh, थाउजेंड हमने सेंड किया है जी यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज फिफ्टी एच मतलब एक यूनिट जो है फिफ्टी रुपीज का है, कहता है कि एक्सपेंसिज इनकर्ड बाय बाइनर अब ध्यान समझना एक्सपेंसिज कहता है कि इनकर्ड बाय एक्सपेंसिज कंसाइनर ने किया है जो ने इनकर्ड किया है वो कहता है आपका रुपीज थर्टी थाउजेंड लो अब देखो यहां पे समझ लो कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सपेंसिज के नाम दिए थे हमें क्लासिफिकेशन करना था यहां पर क्वेश्चन कहा कि एक्सपेंस से जो कंसाइनर ने इनकर्ट किया लेकिन ये खर्चे जो कंसाइनर ने किए हैं वो कौन से नाम है वो नाम नहीं बता रहा है तो फिर मैं क्या मानूंगा मैंने आपको दिया था ना जमशन कि अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कौन कौन से खर्चे तो हम क्या करेंगे जी जो भी एक्सपेंस कंसाइनर करेगा हम नॉन रिकरिंग मतलब रास्ते का मानेंगे क्योंकि जनरली वो रास्ते का ही खर्च करता है आपका ठीक है ना और ये कंफर्मड है कि आगे जब कहेगा वो एक्सपेंसिज एक्सपेंसिज इनकर्ड बाय कंसाइनी इनकर्ड बाय कंसाइनी जो खर्चे कंसाइनी ने किया है ये मेरे बच्चे एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं या तो नाम बताएगा या कह देगा कि इसमें नॉन रेकरिंग इतना है और रेकरिंग इतना है तो कह रहा है कि मान लो नॉन रेकरिंग जो उसने इनकर्ड किए हैं वो कहता है मान लो ट्वेल्व थाउजेंड और रेकरिंग एक्सपेंसिज रेकरिंग यानी कि सेलिंग एक्सपेंसिज रेकरिंग एक्सपेंसिज कहता है कि जो इनकर्ड किया गया है वो आपका कहता है रुपीज यहां पे मान लो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है ना ये ये बताएगा अगर यहां पे नहीं बताता लिख देता है सिंपली एक्सपेंसिज इनकर्ड बाई कन अगर वो दो नाम नहीं बताता मेरे बच्चे ये नाम आपको डिटेल में नहीं बताता कहता है कि भैया एक्सपेंसिज इनकर्ड बाई कन और वो ना बताए तो फिर क्या करेंगे इस सजेशन को फॉलो करेंगे अगर वो एग्जैक्टली exactly नहीं बता रहा है मैं क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा हूं तो जितने भी खर्चे कंसाइनी क्या होगा हम रिकरिंग मतलब वो शोरूम यानी कि सेल से जुड़ा हुआ खर्च मान लेंगे और वो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने में कंसिडर नहीं किया जाएगा ठीक है ना कोई डाउट नहीं सर तो यहां पर आपका ये बोलता है कि आपका यूनिट्स सोल्ड सोल्ड बाय द कंसाइनी कंसाइनी ने जो गुड्स बेच दिया है कंसाइनी ने वो कहता है आपका यहां पे आ, कितना ले मैं चलो 1800 हंड्रेड बेच दिया है बच्चे एट द रेट ऑफ रुपीज मान लो कहता है कि 120 वो सिर्फ आपसे बोलता है कि कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक ऑन मतलब आपको यहां पे वो कंसाइनमेंट अकाउंट ये अकाउंट वो अकाउंट नहीं बनाना वो सिर्फ कहता है कितना निकल के आएगा तो बच्चे, मैं क्या करूंगा यहाँ पे सोल्यूशन में आप बताइए पहले क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना नजर यहां 2000 में अगर 1800 बिक गया तो आपके पास 200 यूनिट्स आपके पास बचे होंगे 200 हमें इसकी वैल्यू को निकालना है. है ना मैं क्या करूंगा जी एक तो मेरे बच्चे लेंगे आप यहाँ पे परचेज प्राइस परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक तो आप यहां पे लेंगे परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है ना मुझे बताओ एक यूनिट का परचेज प्राइस कितना है पहले तो यूनिट्स कितने हैं टू हंड्रेड टू हंड्रेड आपके यूनिट्स हो गए और एक यूनिट का परचेज प्राइस आपका फिफ्टी कहता है इन ये आपका हो गया कितना जी आ, आ गया। इसमें हम ऐड करेंगे क्या जी? Proportionate, proportionate, मतलब मतलब रास्ते के खर्चे। बार-बार बार आप नाम से कंफ्यूज मत होना मतलब जो एक बार सिर्फ होगा ऐसा नहीं है यहां पे नॉन रेकरिंग का बहुत सिंपल शब्दों में मीनिंग बताया गया सिर्फ रास्ते के खर्चे एक्सपेंसिज इनकर्ड कंसाइनर या फिर तो कंसाइनी या फिर दोनों

है थ्री थाउजेंड फिर कंसाइनी के भी खर्चे हम यहां पे लेंगे और कौन से खर्चे अगेन नॉन रिकरिंग कंसाइनी के नॉन रिकरिंग कितना है ट्वेल्व थाउजेंड तो कंसाइनी ने भी ट्वेल्व थाउजेंड जो खर्च किया होगा अपने गोडाउन में ले जाने में वो टू थाउजेंड यूनिट पे खर्च किया होगा है ना टू थाउजेंड यूनिट्स पे तो हमें निकालना है कि टू हंड्रेड यूनिट पर आखिर वो खर्च कितने है? तो कितना आपका हो गया ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज का अमाउंट आपका इनको ऐड कर दो यही आपका आ जाएगा क्या जी वैल्यू ऑफ आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ आपका क्लोजिंग स्टॉक बताइए कितना निकल के आ गया फोर्टीन थाउजेंड एंड टू हंड्रेड रुपीज आपका खत्म होगी बात आप जल्दी से इसकी कॉपी करेंगे क्योंकि मुझे अब आपके साथ अगले कॉन्सेप्ट एंट्री करना है मुझे अभी बहुत सारी बातें करनी है अभी तो बात कमीशन की आएगी और उसके बाद अभी मैं बहुत सारी बातें करने वाल करने वाला हूँ प्लीज कॉपी करेंगे आप जल्दी कॉपी कीजिए हेलो बच्चों कैसे हैं आप मैं संतोष कुमार चार साल पहले मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया लाइव क्लासेज को कम्प्लीटली बंद करके स्टूडियो के अंदर में एंट्री करना, मकसद हमारा एक ही था कि जो क्वालिटी एजुकेशन में और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों फैलाया रीजनेबल कॉस्ट मेरे बच्चों इस सक्सेस को हमने पाया और आज लगभग सेवेंटी थाउजेंड प्लस कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन हमारी सारी फैकल्टी डेली बेसिस पे आपके डाउट सेशन को लेती है हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है आपका प्रॉपर तरीके से टेस्ट लेना है आपके मार्क्स कितने हैं उसको मार्क्स कॉपी चेक करके मार्क्स आपसे शेयर करना और आपको कॉन्टिन बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए मेरे बच्चों कुछ रिव्यूज हमारे आ, अपने बच्चों के पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं Hey there, this is Kovan Mishra of class 11 and also a student of CCC I am a student of CA Foundation. Hello, myself Lavi Chaudhary and I am a student of CMA Intermediate. I have taken both group classes COC education. I am from Bihar, student of since class 11 and now in Foundation. My name is Anshika and I am doing CA Intermediate right now. I have been taking classes from COC from very beginning. Uh, I am also very thankful to Santosh sir. He really a very nice teacher. Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very proper concept to and see. Thanks to Rahul Bhutani sir.

आइए ये, ये तो था बच्चे हमारा क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के बारे में हमने सीखा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन कैसे करते हैं इसी में अगले पड़ाव पर एंट्री करते हैं और अब हमारे पास ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे आप देखो कमीशन कहाँ चला गया ये आपका क्वेश्चन के अंदर में कमीशन ये कमीशन जो आपका है जो हम कंसाइनी को पे करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं ये हमारा अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आप नया पेज लीजिए और लिखेंगे आप हेडिंग में आपका लिखेंगे आप मेरे साथ टाइप्स ऑफ कमीशंस टाइप्स ऑफ कमीशंस कमीशन कितने तरीके के होते हैं कमीशन क्या होते हैं मेरे बच्चे वो समझते हैं और फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे सुनिए मेरी बात लिखेंगे आप देर आर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमीशंस थ्री टाइप्स ऑफ कमीशंस थ्री टाइप्स ऑफ कमीशंस कमीशंस अलाउड बाय अलाउड बाय द कंसाइनर 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 टू द कंसाइनी ये जो कंसाइनर है बच्चे यानी कि प्रिंसिपल वो कंसाइनी को यानी कि एजेंट को तीन तरह के कमीशन देता है नंबर वन लिखेंगे आप यहाँ पे जनरल कमीशन जनरल कमीशन है ना अभी तक जितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं और उसमें जो हम कमीशन कह रहे थे ना वो एक्चुअली जनरल कमीशन था ये जनरल कमीशन क्यों देते हैं अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगा अरे उसको भी तो भूख लगती है उसको भी तो खाना चाहिए हमारे एजेंट को तो आपने जो काम उसको दिया है एजेंसी का इसके बदले में जो हम आपको कमीशन पे करते जनरल कमीशन लिखेंगे आपका इट इज अलाउड इट इज अलाउड इट इज अलाउड

फुल स्टॉप आगे लिखना इट इज अलाउड इट इज अलाउड इट इज अलाउड ऑन टोटल सेल्स मेरे बच्चे ये जो कमीशन है ना ये हम क्या करेंगे टोटल सेल्स पे अलाउ करेंगे ये सारी बातें जो लिखता हूँ ना किस पे अलाउ किया जाएगा कुछ ना बताए कि भैया किस पे निकालना है तो हम टोटल सेल्स पे निकालते हैं है ना जितना आपने सेल किया नंबर टू लिखेंगे आप यहां पे नंबर टू कहता है यहाँ पे ओवर राइडिंग कमीशन सेकेंड कमीशन ओवर राइडिंग कमीशन देखो ये नाम ही कह रहा है ओवर राइड करना ओवर राइड का मतलब होता है एक्स्ट्रा परफॉर्म करना मतलब उनको मोटिवेट करना ये कमिश्नर मेरे बच्चे हम कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को देते हैं कि आप ओवर करो एक्स्ट्रा परफॉर्म करो हमने कहा कि भैया ये सामान आपको कम से कम ना टू हंड्रेड में बेचना है लेकिन हमने कहा कि आप इसको अगर ज्यादा में बेचती है 250 फिफ्टी में बेचती है तो फिर हम कुछ और कमीशन पे कर देंगे हमने कहा कि आपको एक साल में एटलीस्ट टू थाउजेंड तो यूनिट्स बेचना ही बेचना है लेकिन अगर आपने टू थाउजेंड से ज्यादा बेच दिया तो हम कुछ और कमीशन आपको पे कर देंगे कंसाइनी को एक्स्ट्रा सेल करने के लिए ज्यादा सेल करने के लिए ज्यादा प्राइस पे सेल करने के लिए हम मोटिवेट करने के लिए जो कमीशन उनको देते हैं ना दैट इज कॉल्ड कमीशन ठीक है ना ओवर राइड करना लिखेंगे आप यहां पे इट इज अलाउड इट इज अलाउड इट इज अलाउड By the consigner, by the consigner, by the consigner to the consignee, to the consignee, to the consignee for the purpose of, for the purpose of, purpose of motivating, motivating him to increase, to increase. सेल्स वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम पब्लिक सेल्स प्राइस मतलब आप ज्यादा पे बेचो या ज्यादा यूनिट्स बेचो इसको मोटिवेट करने के लिए हम कहते हैं भैया ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हम कुछ और एक्स्ट्रा आपको पे कर देंगे दिस इज कॉल ओवर कमीशन लिखेंगे आप यहां पे फुल स्टॉक के बाद इट इज कैलकुलेटेड इट इज कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड एज पर एज पर इंस्ट्रक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवेन इन क्वेश्चन मेरे बच्चे ये आपको गिवन इन क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपको बताएगा कि ये कैसे आपको निकालना है आपको इसके बारे में चिंता नहीं करना और इस बात को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर थ्री कमीशन को समझाने के लिए तो आओ जरा वन टू वो यहां पे इसको समझने के लिए हम बुकलेट का क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे पढ़ो ना क्वेश्चन क्या बता रहा है पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर थ्री थर्ड पढ़ेंगे एक सेंट गुड्स कॉस्टिंग टू लैक्स टू वाई टू बी सोल्ड एट ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ टेन परसेंट ऑन कॉस्ट बच्चे जो गुड्स भेजा गया है ना कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सेंट जो गुड्स हमने भेजा है कंसाइनी को उसका कॉस्ट कहता है कि टू लैक्स रुपीज है टू लैक्स रुपीज है जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है मिनिमम सेलिंग प्राइस कहता है कि मतलब जो कम से कम भी आप जिस प्राइस पे गुड्स को बेचेंगे वो कहता है कि टू लैक्स यानी कि कॉस्ट प्लस कितना मार्जिन कह रहा है जी 20 आपका टू uh, so तो लैक्स और इसका टेन परसेंट कितना हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड यानी कि जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया टू ट्वेंटी पे तो आपको बेचना ही बेचना है कहता है आगे पढ़ना ही विल बी अलाउड जनरल कमीशन ऑफ 5% परसेंट ऑन सेल्स एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ एनी एक्स रियलाइज ओवर आपका सेल प्राइस जो मिनिमम प्राइस कोट किया गया ना मिनिमम कितना कोट किया गया 220 अगर इसे सीड करता है तो उसका हम देंगे और क्वेश्चन कहता है कि वाई सोल्ड ऑल द गुड्स यानी कि जो आपका टोटल सेल्स बता रहा है क्वेश्चन बच्चे

5% ना ये सर क्या आप में से मुझे कोई बताएगा क्या कि ये 5% जो लूंगा मेरे बच्चे वो 2 लैक्स का लू 220 का कि 3 लैक्स का जरा मुझे बताओ कि ये जो कमीशन आपका 5% होगा वो 2 लैक्स का होगा 220 का होगा कि 3 लैक्स का होगा क्योंकि तीन फिगर हमारे पास दिया हुआ है आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप पहले जनरल कमीशन का अमाउंट निकालेंगे और अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर गया अगर मैच कर गया तो आपको कमेंट में आपको लिखना है कि सर मेरा आंसर सही था आप जहां भी वीडियो आप मेरे पेड क्लास में देख रहे हो आप यहां पे चैनल पर देख रहे हो जहां भी देख रहे हो अगर आपने सही आंसर किया है तो आप लिखेंगे और मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा मेरे बच्चे और जिसका भी कमेंट मुझे सही नजर आया कि हाँ सचमुच में आपने सही आंसर किया है तो आपके घर में आके आपको चॉकलेट खिलाऊंगा और वापस आऊंगा गारंटी के साथ बोलता हूं गारंटी के साथ

इट इज कैलकुलेटेड एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन हमेशा दिया रहेगा वो कह भी रहा है आपको कि इट विल बी ट्वेंटी परसेंट कितना रहेगा जी ट्वेंटी परसेंट ये लीजिए ट्वेंटी परसेंट किसका ट्वेंटी परसेंट तो कहता है कि एनी एक्सेस रियलाइज ओवर मिनिमम कोटेड प्राइस एनी एक्सेस रियलाइज ओवर मिनिमम कोटेड प्राइस मिनिमम प्राइस कितना कोट किया गया था 220 उससे ज्यादा आपने कितना रियलाइज किया जी तो हमने सेल किया है थ्री लैक्स रुपीज में मिनिमम प्राइस आपका 220 था तो मेरे बच्चे 220 के ऊपर आपका कितना हो गया 80,000 और इस 80,000 का 20 परसेंट निकालो तो कितना आपका हो जाएगा 16,000 का अमाउंट आपका 16,000 तो अगर क्वेश्चन कहता है कि बताओ टोटल कमीशन कितना है टोटल कमीशन तो आपको पता है क्या करना है 16 और फिर आपका 15 मिलके कितना हो गया 31,000 अगर आपका आंसर 31 है तो ही आप कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे सही क्योंकि मुझे पता है आप क्या सोच रहे थे कि इतना भी सही हो गया तो मैं लिख दूंगा हाँ मेरा सही है अरे बदमाश ये थोड़े ये भी तो समझना था और इसके लिए आपको खुद इंटरप्रेट करना होगा इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको उसको फॉलो करना है सर फिर तो कोई भी केस आ सकता है अभी सारी क्लासेज एंड होने दो एमसी एंड में है उसको भी सॉल्व करो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा या आ चुका है वो आपकी नजरों से बच्चा ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे नहीं हो सकता फिलहाल टोटल कमीशन थर्टी वन वही बच्चा लिखेगा कहा सर मैं सही हूं यहां पे आप सही तो नहीं मानूंगा मैं आपको नहीं मानूंगा है ना तो दो कमीशन एक क्या था जनरल कमीशन दूसरा क्या हमारे बच्चे ओवर एडिंग कमीशन आमीशन बताऊं थर्ड कमीशन लिखेंगे आप यहां पे थर्ड डेल क्रेडेयर कमीशन डी एल डैश सी आर ई डी ई आर ये ग्रीक वर्ड है डेल क्रेडेर कमीशन आपका डेल क्रेडेर कमीशन सर ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा लिखो इसके बारे में इट इज अलाउड इट इज अलाउड इट इज अलाउड टू द कंसाइनी टू दंसाइनी कन साइनी फोर फोर टू बियर फोर टू बियर लॉसिज लॉसेज ड्यू टू ड्यू टू बैड इट्स बेड इट्स है ना लॉसिज ड्यू टू बैड इट्स फुल स्टॉप फुल स्टॉप सर यह क्या है अब आपको समझाता हूं बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना यहां भी आपको रटना नहीं है मेरी बात सुनना पता है लिखना बंद करेंगे पता है कंसाइनर जो है ना बच्चे वो एक बहुत ही समझदार इंसान है कंसाइनर जो है ये बहुत ही समझदार इंसान है ये एक है है परफेक्ट इसको पता है कि ये जो कंसाइनी है ना ये बदमाश है ये वो इंसान है जिसकी अभी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ पता है 2021 के अंदर में 2021 के अंदर में इस कंसाइनी ने क्या किया जो टोटल सेल्स किया था ना टोटल सेल्स वो सेल्स किया था मेरे बच्चे मान लो यहाँ पे 50 लाख रुपीज का 50 लाख रुपए 000, पूरे एक साल में कंसाइनर ने कंसाइन लिखना नहीं आपको मेरी बात समझना है इसको मैं समझा रहा हूँ कंसाइनर ने कंसाइनी को बोला कि भैया आपका जो कमीशन होगा ना मतलब जनरल कमीशन वो आपका टेन होगा ऑन सेल्स 10% ऑन सेल्स आपका तो मुझे बताओ जरा कि अगर कंसाइनी ने 2021 में सेल अगर आपका 50 लाख का किया तो 10% के हिसाब से कमीशन इसका कितना बना कमीशन कितना बना 2021 में ये बन गया आपका 5 लाख पूरे एक साल में 5 लाख बनने का मतलब है मेरे बच्चे कि अगर मैं एक साल यानी कि 12 से डिवाइड करूं तो एक महीने का लगभग 42000 अमाउंट लगभग फोर्टी टू थाउजेंड मुझे बताओ कि एक महीने में अगर ये कंसाइन जिसकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई है अगर वो फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज कमाता है तो क्या इससे इसका काम चल जाएगा क्या क्या सारी इच्छाएं घर हो जाएगा गाड़ी हो जाएगा मस्ती ये पूरी हो जाएगी क्या नहीं हो पाएगा सर आज बहुत महंगाई है इस फोर्टी टू में कुछ नहीं होता इसको पता है पता क्या क्या कि इसने अगले साल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में मेरे बच्चे इसका जो इसने जो टोटल सेल किया ना टोटल सेल्स आपका टोटल सेल्स वो फिफ्टी करोड़ रुपीज का किया फिफ्टी करोड़ रुपीज का समझो एक साल पहले फिफ्टी लैक्स और अगले साल कितना फिफ्टी करोड़ का सेल हो गया मुझे बताओ अगर फिफ्टी करोड़ का सेल हुआ तो 2022 ट्वेंटी टू में इसका कमीशन कितना बनेगा 50 करोड़ का 10 परसेंट यानी कि 5 करोड़ रुपीज आप मुझे बताओ फाइव करोड़ का मतलब आपका हो गया एक महीने में लगभग फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज आपका एक महीने में चार लाख बीस हजार रुपये कमीशन से अब मुझे बताओ इसकी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होगी सर अब होगी एक महीने में चार लाख बीस हजार रुपये मैटर करता बदमाश गाड़ी घर सब ले सकता है ये है ना क्योंकि पांच करोड़ रुपए चार ही लाख क्यों अरे चार ही चालीस सॉरी फोर्टी टू लैख रुपीज एक महीने में इसने 42 टू लैख रुपीज कमा रहा है बदमाश आपका तो बहुत कुछ हो जाएगा लेकिन इससे ये बेचारा भिखारी बन जाएगा सर कैसे मैं आपको दिखाता हूं पता इसने क्या किया इस बदमाश ने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए 2021 में क्या देखा कि यार सेल 50 लाख है मैं ज्यादा नहीं कमा पा रहा कमा पा रहा क्या करूं मैं तो इसने क्या किया अगले साल ना सेल्स को बढ़ाने के लिए ना बच्चे उल्टे सीधे लोगों को गुड्स बेचना शुरू कर दिया उसके दुकान के सामने से कोई गुजरता था उसको पकड़ता था बोलता था कि भैया तू सामान हमसे। वो कहता था कि मेरे पैसे नहीं है, तो कहता है कौन पैसे मांग रहा है ले लो ना सामान अरे सामान ले लो पैसा दो चाहे ना दो तो क्या फर्क पड़ता है अगर दे दिए तो ठीक नहीं दिए तो पैसा डूब गया और डूबेगा तो मेरा थोड़ा डूबेगा मैं तो एजेंट हूं किसका डूबेगा इसका डूबेगा मेरा क्या जाता है तो मेरे बच्चे इस बदमाश ने ये काम करके उल्टे सीधे लोगों को भिखारियों को पकड़ पकड़ के सेल्स की एंट्री बढ़ाने के लिए उसने क्या किया 50 करोड़ सेल्स तो दिखा दिया 50 करोड़ सेल्स में इसको 5 करोड़ का कमीशन भी मिल गया यह बड़ा हो गया और बड़ा हो गया लेकिन बेचारा यह भिखारी हो गया क्योंकि सोचो फिफ्टी करोड़ में फाइव करोड़ हमने आपको दे दिया एंड फोर्टी करोड़ रुपये जो है ना वो डूब गया डूबना ही था जब उल्टे सीधे लोगों को गुड्स बेचोगे तो डूबेगा और अल्टीमेटली लॉस आप बेयर करोगे तो आप तो बर्बाद हो गए जी क्योंकि कंसाइनमेंट का ये एग्रीमेंट है कि भैया जो भी आप करोगे वो मैं बेयर करूंगा मुझे बताओ कि क्या इससे ये इसको घाटा नहीं होगा बहुत घाटा होगा सर अगर मान लो ये आदमी उल्टे सीधे लोगों को गुड्स बेच के सेल्स को बढ़ा दे तो सेल्स तो बड़ा दिख रहा है इसका कमीशन भी बड़ा दिखेगा लेकिन इसको तो घाटा हो जाएगा बैलेट अगर हो गया तो तो पता मेरे बच्चे ये आदमी इतना भी बेवकूफ नहीं है ये एक बिजनेसमैन है ये एक ऐसा इंसान है जो आप आगे फ्यूचर में बनने वाले हैं आपको बिजनेस करना है जॉब नहीं करना मैंने चाहता कि आप किसी तरीके से जॉब करें आपको बिजनेस करना और बिजनेस करना है इतनी पढ़ाई करके कोई बच्चा क्यों जॉब करे आप बिजनेस करो ना यार बिजनेस कर, करो बड़ा बनो और बड़ा बनो और दूसरे को भी आप अपने पास एम्प्लॉयमेंट दो वो काम करेंगे जॉब क्यों करेंगे तभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आखिर क्या क्या आप कैसे कैसे इनको अपने पास अपने रख सकते हो ठीक से तो मेरे बच्चे मैंने कहा यहां पे कि जो आपका कंसाइनर है इस बात को जानता है कि कंसाइनी ऐसा गेम कर सकता है इसीलिए वो क्या करता है कंसाइनी को बोलता है कि कंसाइनी आप जितने भी एक्सपेंसिज करोगे ना जितने भी एक्सपेंसिज करोगे इस कर कंसाइनमेंट पे वो सारे एक्सपेंसिज मैं बियर करूंगा सब सारे एक्सपेंसिज लेकिन अगर बैडेड्स का अगर कोई लॉस होता है ना बैडेड्स का कोई अगर लॉस होता है तो उस लॉस को आपको ही बियर करना होगा मैं बेयर नहीं करूंगा कंसाइनर ने को कहा कि आप सेल करो मेरे पे ठीक है आपके जितने एक्सपेंसिव होंगे सारा कुछ मैं बियर करने को तैयार हूं लेकिन आप ये गलत काम कर सकते हो और इसलिए बैडेट से अगर कोई लॉस होगा तो आपको बेयर करना होगा मैं बेयर नहीं करूंगा मेरे प्यारे बच्चों जब कंसाइनर ये बात कंसाइनी को बोला ना तो कंसाइनी गुस्से में आ गया बोला भैया हमें आपके साथ काम नहीं करना मैं क्यों बेयर करूंगा इसलिए कंसाइनी को शांत करने के लिए और जेनविन क्रेडिट सेल्स को प्रमोट करने के लिए जेनुइन क्रेडिट सेल्स को प्रमोट करने के लिए कंसाइनर ने कंसाइनर को कहा कि आप बैडेड्स का लॉस को बियर करो इसके बदले में हम आपको क्या करेंगे जी एक एक्स्ट्रा कमीशन पे करेंगे अलग से कमीशन पे करेंगे जिसका नाम होगा डेल क्रेडर कमीशन आपका तो मेरे बच्चे डेल क्रेडिटर कमीशन देने का जो मेन मोटिव होता है कंसाइनर का वो होता है कि जेनुन जो क्रेडिट सेल्स है वो आप कीजिए अननेसेसरी बदमाशी नहीं है ना और इसलिए क्या होता कि को ये पे करता है तो कि और लिखाऊंगा क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है जी। और आया भी है, कि यार ये जो है वो क्यों अलाउ करते हैं तो फॉर टू बियर द लॉस ऑफ ड्यू टू बाई द कंसाइनी ओनली है ना एक तो आप कही है। कहते हैं कि इट इज कैलकुलेटेड इट इज कैलकुलेटेड अगर ये आपको बताए किस पे निकालेंगे तो उस उसपे निकालना अगर ना बताए इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स तो हम इसको भी क्या करेंगे बच्चे टोटल सेल्स पे आप निकालेंगे टोटल सेल्स ना कि क्रेडिट सेल्स पे पहली बात दूसरी बात कहते हैं कि इट इज इट इज गिवन इट इज गिवन टू द कंसाइनी इट इज गिवन टू द कंसाइनी कंसाइनी टू प्रोमोट टू प्रोमोट टू प्रोमोट क्या क्रेडिट सेल्स हम क्रेडिट सेल्स को प्रमोट करने के लिए देते हैं मतलब कि आप क्रेडिट सेल्स करो ना क्या दिक्कत है हमें कोई टेंशन नहीं है हम आपको अलग से कमीशन पे करेंगे लेकिन जेनविन ही क्रेडिट सेल्स करना उल्टे सीधे नहीं क्योंकि अदरवाइज अगर ऐसा हुआ तो आपको ही लॉस बेयर करना होगा इससे क्या होगा मेरे बच्चे अब कंसाइनिंग अगर क्रेडिट पे सेल करेगा ना तो कस्टमर का पूरा इंक्वायरी करने के बाद पूरे तरीके से जांचेगा कि ये पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा तभी क्रेडिट से देगा अदरवाइज बच्चे वो क्रेडिट पे सेल नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर पैसा डूबा तो उसको खुद बियर करना होगा तो ये हमारा आपका डेल क्रेडिट कमीशन होता है ध्यान रखना अगेन ये भी ना बताए तो हमेशा किस पे निकालेंगे टोटल सेल्स के ऊपर में है ना और अगर आ जाए एमसी क्यू में कि आप ये डेल क्रेडिट कमीशन क्यों देते हो जी चार ऑप्शन होगा चार में से एक रहेगा टू प्रमोट क्रेडिट सिल्स तो वहां पर टिकवा करेंगे मतलब जेन्युन क्रेडिट सिल्स को प्रमोट करने के लिए देता है मैं चाहता हूं कि जितनी सारी बातें हमने अभी तक सीखी मतलब जी वो आपका क्लोजिंग स्टॉक को निकालना वो अकाउंटिंग करना वो कमीशन वो सारी बातों को इकट्ठा करके मैं एक क्वेश्चन आज कराना चाहूंगा और वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये क्रीम है मेरे बच्चे ये अभी तक का कंक्लूडिंग पार्ट है जो हम लोगों ने सीखा अभी तक वो सब इसके अंदर में इकट्ठा होगा आओ ना एक बार सोल्यूशन मेरे साथ करो क्वेश्चन नंबर फोर का फोर का आप फील करो क्या मस्त तरीके से बातें आप है समझते हैं सुनो ध्यान से फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है फोर्थ क्वेश्चन कहता कि सीओसी ऑफ नोएडा नाम तो सुना ही होगा सीओसी ओहो ये नाम सुनते ही ना मतलब पता नहीं क्या हो जाता बॉडी के अंदर में मैं जानता हूं आपका भी मेरा भी बट एनीवे सीओसी ऑफ नोएडा फॉरवर्डेड टू टाटा ऑफ मुंबई टाटा को ये तो नाम सबको पता है टाटा कौन सी बड़ी बात है सीओसी ने मेरे बच्चे टाटा ऑफ मुंबई को कंसाइनमेंट भेजा है हंड्रेड ड्रम्स ऑफ कोकोनट ऑयल ऑफ रुपीज 500 पर ड्रम एक ड्रम की कीमत पांच रुपए है तो हमने भेजा है ठीक है जी सीओसी मेरे बच्चे यहाँ पे प्रिंसिपल है मालिक है टाटा यहाँ पे एजेंट है एजेंट छोटे लोगों को मतलब कि सीओसी ने क्या किया अपना एजेंट अपॉइंट किया है ठीक है आगे पढ़ना फॉलोइंग एक्सपेंसिज वेयर इनकर्ड बाय द कंसाइनर कंसाइनर ने जो खर्च किया क्या बता रहा जी फ्रेट इंश्योरेंस लोडिंग चार्ज रेंट ऑफ कंसाइनिज गोडन बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आपको समझना है बहुत ध्यान से बाकी बच्चों जैसा काम नहीं करना है बाकी बच्चों जैसा काम नहीं करना मेरे बच्चे आपको अपने आप को दूसरों से डिस्टिंग करना पड़ेगा यहां पे जो खर्चे कंसाइनर ने किए हैं उसने नाम बताया है कि कौन कौन से खर्चे हैं जब नाम बताएगा बहुत प्रॉपर तरीके से सोच समझ के क्लासिफिकेशन करना जब नाम नहीं बताएगा तब तो ठीक है जी नॉन डेकरिंग मान लूंगा लेकिन उसने नाम बताया क्या बोला है कि कंसाइनर ने खर्च किया है क्या जी कहता है कि बच्चे कंसाइनर ने फ्रेट पे किया ये तो नॉन डेकरिंग है ठीक फ्रेट रास्ते का है कंसाइनर ने इंश्योरेंस पे किया कंसाइनर का इंश्योरेंस ना बताया कि कहां का है तो हमेशा क्या मानेंगे रास्ते का क्योंकि वो रास्ते का करा था। ये भी नॉन डेकरिंग है लोडिंग चार्जेज ये भी क्या है जी नॉन डेकरिंग है लेकिन देखो ना कहता है रेंट ऑफ कंसाइनज गो डाउन मेरे बच्चे कंसाइनर ने ये देखो कंसाइनी के गोडाउन का यहां का रेंट पे किया मुझे बताओ कि कंसाइनी के गोडाउन का रेंट अगर कंसाइनर पे करेगा तो क्या ये नॉन रेकरिंग होगा कि रेकरिंग होगा सर ये रेकरिंग होगा मैंने कहा ना आंख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है जब वो एक्सपेंसिज के नाम आपको बता देगा ना बच्चे तो आपको बिल्कुल शांत दिमाग से आपको सोचना है कि क्या वो खर्चे रास्ते के हैं या रास्ते के बाद के हैं क्योंकि कंसाइनी के गोडाउन का रेंट कंसाइनर ने पे किया है तो ये तो रास्ते का नहीं है ये नॉन रिकरिंग नहीं माना जाएगा एक सवाल आपके खुराफाती दिमाग में आ सकता है कि सर कंसाइनी के गोडाउन का रेंट कंसाइनर क्यों पे करेगा तो अरे बदमाश सारे खर्चे तो कंसाइनर ने ही पे, पे करने हैं चाहे वो अपने पॉकेट से अभी पे कर दे चाहे बाद में हिसाब करते समय मेहनत कर दे बट बियर तो उसी को करना है तो पे कर दिया तो कौन सा पाप कर दिया आप जो कंसाइनर ने पे किया, टू बैंक में एंट्री दिखा देना लेकिन ये खर्च जो रेंट ऑफ कंसाइनेज गोडाउन है इट विल नॉट बी कंसिडर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ठीक है ना आगे बढ़ेंगे टाटा रिसीव द कंसाइनमेंट कहता है कि टाटा ने कंसाइनमेंट रिसीव किया है जी टाटा रिसीव द कंसाइनमेंट Oh, कितने पेज आगे चला गया हाँ जी टाटा रिसीव द कंसाइनमेंट और कहता है कि आपका सेंट एंड अकाउंट सेल अकाउंट सेल क्या होता है मैं थोड़ा सा एक नोट लिखा दू लिख लीजिए मेरे साथ जितने भी थ्योरी बन सकता है ना मैं साथ साथ नोट लिखाऊंगा तो आप ना फोर्थ के पहले लिख दो जहां पे क्योंकि यहां तो आपका कोई काम का नहीं है ये जगह बचा होगा ना यहाँ पे तो एक नोट लिखो यहाँ पे और ये रिविजन में आपको आएगा हेल्प करेगा आपका कहते हैं कि मीनिंग ऑफ लिखिए यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंट सेल ये सब वर्ड्स है जो इस चैप्टर में आपके यूज किए जाएंगे अकाउंट सेल अकाउंट सेल क्या होता है तो लिखेंगे आपका इट इज द स्टेटमेंट इट इज द स्टेटमेंट इट इज द स्टेटमेंट प्रीपेय बाय प्रिपेयर बाय द कंसाइनी कौन बनाता यह कंसाइनी बनाता है कौन बनाता बच्चे कंसाइनी किसके लिए फॉर द कंसाइनर फॉर द कंसाइनर कंसाइनर को देने के लिए कंसाइनर इन्फॉर्मिंग जिसमें वो इन्फॉर्म करता है इनफॉर्मिंग सेल्स मेड बाय हिम कितना उसने सेल किया उसका इंफॉर्मेशन जी कैश सेल्स है क्रेडिट सेल्स है सब कुछ बताएगा एक्सपेंसिज इनकर्ड बाय हिम एक्सपेंसिज इनकर्ड उसने कितना एक्सपेंसिज इनकर्ड किया है, है ना कमीशन उसका कमीशन कितना आपका है कमीशन कितना है आपका कमीशन क्लोजिंग स्टॉक एंड में अभी स्टॉक कितना बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक आपका लॉस एज इफ एनी अगर कोई लॉस होता है लॉस होता है इफ एनी ब्रैकेट में एक्सेट्रा बहुत सारी बात है अब सोचो ना कंसाइनर मेरे बच्चे यहां पे क्वेश्चन कहता है कि नोएडा में है और कंसाइनी है आपका कहां पे जी मुंबई में तो बच्चे टाटा यानी कि कंसाइनी ने कितना सेल किया कितने एक्सपेंसिज किया कितना कमीशन बना कितने स्टॉक बचा बहुत सारी बातें होती है वो सारी बातें वो फोन पे तो नहीं बताएगा ना अकाउंट्स काम करता है रिकॉर्ड के साथ तो वो सारी बातें क्या करेगा ना एक स्टेटमेंट में एक चिट्ठी में लिख के मेरे बच्चे कंसाइनर को भेजता है उस चिट्ठी को उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं अकाउंट सेल एग्जाम में आ जाए अकाउंट सेल कौन बनाता है कंसाइनी बनाता है कंसाइनी किसके किसके लिए किस लिए बनाता है कंसाइनर के लिए बनाता है क्या बताता है तो उसके पार्ट पे यानी कि वहां पे जो भी सेल हुआ खर्चे हुए हुआ, हुआ, या और, और आएगा जिसका नाम है परफॉर्मा इन ये भी अभी आगे आएगा मैं अभी नोट लिखा दू ये क्या होता है लिखेंगे इट इज प्रिपेयर बाय इट इज प्रिपेयर बाय इट इज प्रिपेयर बाय द कंसाइनर मतलब प्रिंसिपल बाय द कंसाइनर फॉर द कंसाइनिंग फॉर द कंसाइनिंग एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ टाइम ऑफ सेंडिंग गुड्स सेंडिंग गुड्स टू हिम उसको जब गुड्स भेजते हैं तभी बनता है इनफॉर्मिंग जिसमें बताया रहता है इनफॉर्मिंग डिटेल्स डिटेल्स ऑफ गुड्स गुड्स का डिटेल्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका उसमें बताते हैं जी हमारा कि कॉस्ट कितना है कॉस्ट प्राइस क्या है गुड्स का यूनिट्स कितने हमने भेजे हैं है ना ये सब लिख के भेजना होगा ना कितने यूनिट्स भेजे हैं क्या कॉस्ट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा मतलब गुड्स जब हम कंसाइनी को भेजेंगे तो कंसाइनी को इन्फॉर्म करना होगा ना कि भैया इतने यूनिट्स भेजे हैं उसका ये रेट आपका है इस रेट से आपको बेचना है तो जिस पेपर पे कंसाइनर इन बातों को लिख के बेचते है उसको हम क्या बोलेंगे याद रहे कि बात ये दो डॉक्यूमेंट आपका अकाउंटल कौन बनाता है कंसाइन बनाता है फॉर द कंसाइनर

और जो एडवर्टीजमेंट आपका है वो तो आपका रिकरिंग एक्सपेंस यानी कि सेलिंग एक्सपेंस हो गया ठीक है कंसाइनी वाज एंटाइटल टू फाइव परसेंट जनरल कमीशन एंड टू परसेंट कहता है डेल क्रेडिट कमीशन दो कमीशन दिया गया है तो डेलग्रेडर कमीशन देने का मतलब कि अगर कोई बैडेट्स होगा तो कंसाइनी बियर करेगा कंसाइनर को मतलब नहीं है एक्चुअल लॉस ड्यू टू कहता है कि 8500 मेरे बच्चे क्वेश्चन बता रहा है कि यहाँ पे बैडेट्स हुआ है और वो कहता है कि 8500 है मुझे सिर्फ इतना बताओ क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले कि अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडेटर कमीशन दिया है तो ये जो लॉस ड्यू टू बैडेट है कौन बियर करेगा सर कंसाइनी बियर करेगा

तो यहां यहाँ पे सी क्या बना रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट आपका ठीक ना तो ये रहा हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट आप बहुत आराम से इस फॉर्मेट को रेडी कीजिए है ना और कंसाइनी अकाउंट भी बनाना है बट उसको हम अलग से बना लेंगे पहले शुरू करो आप क्वेश्चन को लिखिए मेरे साथ ओ, -ओ. लिखेंगे आप यहां पे टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट फटाफट जानते हैं सब कुछ अब आप यहां पे टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट शॉर्ट में आप पूरा लिख देना कंसाइनमेंट कितने यूनिट्स भेजे गए हैं जी कंसाइनमेंट पे कहता है कि आपका यूनिट्स जो भेजे गए हैं वो हंड्रेड ड्रम्स है तो मेरे बच्चे यहाँ पे हंड्रेड और एक ड्रम कहता है फाइव हंडेट तो, तो टोटल कितना हो गया आपका फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी है ना 100 इंटू फाइव हंड्रेड ठीक है एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने किया कोई भी एक्सपेंस कंसाइनर करेगा विल राइट यहाँ पे टू बैंक अकाउंट तो मुझे बताओ कौन कौन से एक्सपेंसिज है जो कंसाइनर ने किया है फ्रेट फ्रेट ये जरा बताओ अमाउंट कितना है टेन थाउजेंड ठीक है यहां लिखिए इंश्योरेंस बताइए कितना आपका हो गया इंश्योरेंस कितना बता रहा आपको इंश्योरेंस यहां पे एट थाउजेंड का अमाउंट था। उसके बाद कहता था आपका लोडिंग चार्ज टू थाउजेंड था। लिखो ना यहां पे लोडिंग चार्ज लोडिंग शॉर्ट टू थाउजेंड और रेंट जो पे किया कंसाइनिज गोडाउन का वो कितना आपने पे किया थ्री थाउजेंड किए जाएंगे सारे क्योंकि प्रॉफिट निकाल रहे हैं हाँ स्टॉक को वैल्यू करते समय सिर्फ नॉन निकलेंगे कितना हो गया ट्वेंटी थ्री थाउजेंड यहाँ लिखे आप यहाँ पे ठीक है ना अब जो खर्चे कंसाइनी यानी कि टाटा ने किया है तो टू टाटा है ना बच्चे टाटा अकाउंट जो कंसाइनी करेगा उसके नाम से बताओ कौन कौन से कहता है आगे में टाटा रिसीव द कंसाइनमेंट सेंट एन अकाउंट सेल इनफॉर्मिंग दैट एट्टी परसेंट कंसाइनमेंट सेल कर दिया तो पहले उसकी एंट्री करो ना बाय टाटा है ना बाय टाटा अकाउंट और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे सेल मुझे बताओ कि हंड्रेड ड्रम्स का एट्टी कितना हो जाएगा एट्टी ड्रम्स अच्छा इस एटी ड्रम्स को आपने किस रेट से बेचा है बच्चे कहता है कि वन थाउजेंड पर ड्रम ये वन थाउजेंड के हिसाब से तो अमाउंट कितना बन गया आपका यहाँ पे एट्टी थाउजेंड डाउट इसके अंदर में नहीं सर तो ये भी ठीक है आपका ये भी ठीक है अब बताओ टाटा ने जो खर्चे किए कौन कौन से क्लियरिंग चार्ज ये लीजिए जरा बताए कि आपका जो क्लियरिंग चार्जेज है वो कितना जी टाटा ने जो खर्च किया क्लियरिंग चार्ज टू थाउजेंड का अमाउंट ठीक है टाटा ने जो फ्रेट मेरे बच्चे जब भी कंसाइनी ने फ्रेट पे किया और ना बताए फ्रेट कहा तो हम आप समझना फ्रेट टू गो डाउन है।, है ना रास्ते का फ्रेट आपका थ्री थाउजेंड का अमाउंट आपका और फिर कहता है एडवर्टीजमेंट आपका ट्वेंटी थाउजेंड तो एडवर्टीजमेंट पे आपने कितना खर्च किया ट्वेंटी थाउजेंड बहार बताइए ट्वेंटी फाइव टोटल हो गया कोई डाउट इसमें नहीं सर फिर कहता है कि कंसाइनी वाज एंटाइटल हम कंसाइनी को कमीशन देते हैं तो आप यहाँ बोलेंगे टू टाटा अकाउंट है ना बच्चे और इसी के अंदर में दिखाए दो कमीशन बता रहा है एक तो जनरल कमीशन और एक आपका डेल क्रेडेयर कमीशन आपका है ना जनरल कमीशन डेल कर जनरल कहता है कि होगा मुझे बताओ फाइव परसेंट लेकिन नहीं बता रहा किस पे निकालना तो क्या करेंगे टोटल सेल्स पे तो टोटल सेल्स कितना है एटी थाउजेंड एटी थाउजेंड का फाइव परसेंट कितना हो जाएगा फोर थाउजेंड का अमाउंट है ना जब कुछ ना बताया किस पे तो हम किसपे निकालते टोटल सेल्स बताएगा तो फिर वही काम करेंगे और फिर कहता है कि डेलर कहता है कि तो। कि तो कितना फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज अमाउंट ये तो हुआ अरे ना बताए तो दोनों सेल्स पे निकालते हैं ये हो गया हमारा अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमने यहाँ पे काम कर लिया यहां पे काम कर लिया अब मेरे बच्चे आपको स्टॉक निकालना है बाय यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि सारे गुड्स नहीं बिके हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट सर एक बैडेट्स है उसको बाद में पहले यहाँ देखिए स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट पूरा लिख दूँ क्या इसको ठीक से लिखता हूँ ताकि आप बाद में ये ना बोले कि सर क्या लिखा दिया था आपने स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ये जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट निकालना है मुझे बताओ कितने ड्रम्स आपके पास जी हंड्रेड में एटी ड्रम्स बिक गए हैं तो ट्वेंटी ड्रम्स की वैल्यू निकालनी है और इस ट्वेंटी ड्रम्स की वैल्यू को निकालने के लिए अपना भी टाटा अकाउंट बनाना बच्चे उतना जगह छोड़ के आप वर्किंग नोट्स शुरू करना वर्किंग नोट्स नंबर वन ये वर्किंग नोट्स आपको दिखाना होता है एग्जाम में कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ आपका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जो आपका निकाला जाएगा यहां पे उसकी वैल्यू आपको पता है क्या करना है एक तो लेना बच्चे आपका परचेज प्राइस परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं ना अभी तो सिखाया था बोलो हाँ यस सर कितने ड्रम्स है जी हमारे पास ट्वेंटी ड्रम्स बचे हुए एक ड्रम का परचेज प्राइस कितना है फाइव हंड्रेड सब कुछ तो यहां लिखा हमने ये अमाउंट कितना आ गया आपका टेन थाउजेंड ठीक है इसमें हम ऐड करते हैं क्या प्रोपोर्शनेट सारे नहीं प्रोपोर्शनेट बोलो हा नॉन रेकरिंग नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसिज एक्सपेंसिज इनकर्ड इनकर्ड बाय कौन जी एक तो कंसाइनर यानी कि सी और एक टाटा कितना प्यारा नाम है कौन सा सीओ सी नॉ टाटा सीओ सी अरे सीओ सी ने ट्वेंटी थ्री थाउजेंड खर्च किया बट थ्री थाउजेंड आपका जो है वो रेकरिंग है बच्चे सिर्फ नॉन रेकरिंग कितना हो गया ट्वेंटी थाउजेंड तो आपको क्या करना है बोलना है कि ट्वेंटी थाउजेंड रास्ते में इन्होंने एक्सपेंसिज इनकर्ड किया है कितने ड्रम पे हंड्रेड ड्रम्स पे तो हंड्रेड ड्रम्स से आप इसको डिवाइड कीजिए और आपको कितने ड्रम पे निकालना है जी ट्वेंटी ड्रम्स है ना तो ट्वेंटी ड्रम्स पे कितना रास्ते के जो आपने एक्सपेंसिज इनकर्ट किए थे ट्वेंटी थाउजेंड हंड्रेड पे तो कितना हो गया आपका तो ये ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी ये आगे बच्चे फोर थाउजेंड का अमाउंट को डाउट इसमें नहीं सर टाटा ने जो एक्सपेंसिज इनकर्ट किया है ट्वेंटी फाइव बट नॉन रिकरिंग सिर्फ एक है तो टाटा ने रास्ते में जो उसने खर्चे किए फाइव थाउजेंड वो भी हंड्रेड ड्रम्स पे तो बताओ ट्वेंटी ड्रम्स पे कितना कितना आ गया वन थाउजेंड यानी कि आपका जो स्टॉक है मेरे बच्चे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इसकी वैल्यू कितनी आ गई फिफ्टीन थाउजेंड बोलो ना ठीक कर रहा हूं ना बोलो ना ठीक कर रहा हूँ ना ये सर अरे परचेज प्राइस में रास्ते के खर्चे ऐड कर दो प्रोपोर्शनेटली हो गया और यही फिफ्टीन थाउजेंड आपने क्या करना यहाँ पे आपको दिखाना है

आप मुझे बताओ कि बैडेट्स जो आपका एट्टी फाइव हंड्रेड हुआ है इस एट्टी फाइव हंड्रेड के बैडेट्स के लॉस को कौन बियर करेगा सर क्योंकि इस क्वेश्चन में डेल क्रीडर कमीशन दिया गया है तो उस लॉस को सर कंसाइनी बियर करेगा मेरे बच्चों आपने जवाब खुद दे दिया यहाँ पे कंसाइनर ने कंसाइनर ने क्योंकि आपको डेल क्रेडिट कमीशन दिया हुआ है तो जो हमने डेल क्रेडिट कमीशन दिया है ना वो मेरा एक्सपेंस है वो मैं दिखाऊंगा लेकिन जो बैडेट हुआ अब उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है मैं क्यों उसको रिकॉर्ड करूं अरे जो चीज मुझे मतलब ही नहीं है मैं उसकी रिकॉर्डिंग क्यों करूं क्या सीओसी किसी रिलायंस के घर में खाना हो रहा है पानी पी रहा है या वो खर्चे कर रहा है वो भी रिकॉर्ड करेंगे क्या नहीं रिकॉर्ड करेंगे सीओसी उन्हीं एक्सपेंसेस को और उन्हीं रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेगा जिससे उसको मतलब है और मेरे बच्चे क्योंकि हमने ऑलरेडी टाटा को डेली क्रेडिट कमीशन दिया हुआ है लॉस ड्यू टू टू जो हमें कोई मतलब नहीं है दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर यानी कि सीओसी नो एंट्री विल बी इंटरव्यूल सर किसी नोट की रिक्वायरमेंट है कोई नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी अगर आपको एग्जाम में नोट लिखने का मन कर ही जाए अगर मन कर जाए ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप एक काम करना लिख दो यहां पे नोट आपका नोट नंबर वन आपके लिए अपने लिख दो ताकि रिविजन में आपको हेल्प करेगा नो एंट्री नो एंट्री फॉर बैड डेट्स फॉर बैड डेट्स विल बी विल बी मेड इन द इन द बुक ऑफ इन द बुक ऑफ कंसाइनर इन द बुक ऑफ कंसाइनर Consigner के बुक में इसी कोई एंट्री नहीं होगा बिकॉज फुल स्टॉक लिख लो यहां पे बिकॉज बिकॉज कमीशन हमने आपको डेल क्रेडर कमीशन अगर दिया हुआ है तो जो कमीशन दिया वो मेरा मैं रिकॉर्ड करूंगा वो बेडिट्स को लॉस को यहां रिकॉर्ड नहीं करूंगा सर फिर कौन रिकॉर्ड करेगा वो कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा सर कैसे रिकॉर्ड करेगा वो आगे का टॉपिक है आज तो हम पढ़ी नहीं हम तो आज कंसाइनर के बुक में देख रहे जी कंसाइनर के बुक में नो एंट्री विल बी पास तो प्लीज आप यहां पे हमारा काम खत्म हो चुका है हमने सब कुछ कर लिया मेरे बच्चे आप इसको क्लोज करके जल्दी से बता दो कि आपका प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है आई थिंक कहीं लॉस ना आ जाए एक बच्चे कर लेता हूं तो यहां पे आपका कितना आ गया नाइनटी है ना तो 95,000 में से माइनस कीजिए कितना जी एक 50,000 का एक आपका 23,000 का अमाउंट एक आपका 25,000 का अमाउंट और एक आपका 5600 का अमाउंट हाँ जी लॉस आ गया बच्चे यहाँ प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा ये आपका आ रहा है लॉस ऑन कंसाइनमेंट लॉस ऑन कंसाइनमेंट

मुझे पता है कि अभी आप बदमाश हो आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलेंगी बस उसी को खत्म करने के लिए टाटा अकाउंट बना रहा हूं अदर वजह बना लेते हैं नजर यहां कंसाइनमेंट में बोला बाई टाटा टाटा में क्या बोलेंगे टू कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट कितना आपने सेल किया था जी यहाँ पे एटी थाउजेंड एटी थाउजेंड ब्रैकेट में ये सेल की एंट्री है आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया फिर यहां पे आइए टू टाटा टाटा में क्या बोलेंगे बाई कंसाइनमेंट बाई कंसाइनमेंट अकाउंट जरा बताओ ये एक्सपेंसिज वाली एंट्री है वो कितने का आपका यहाँ पे ट्वेंटी है। है। वाली कमीशन uh, वाली एंट्री बताओ टोटल हमने कमीशन कितना आपको देना है फिफ्टी सिक्स रुपीज का अमाउंट आपका फिफ्टी सिक्स इसको क्लोज कीजिए और आप यहाँ पे जरा बताओ क्या निकल के आएगा हमने कहा सुनना ध्यान से हमने कहा कि कंसाइनी मतलब सीओसी ने कहा कि टाटा आपने गुड्स को सेल करके अपने पास रखा हुआ है मेरा पैसा इस एटी थाउजेंड में ट्वेंटी आपका जो कमीशन है फिफ्टी सिक्स माइनस कर लीजिए और बाकी पैसा फोर्टी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड आप हमें वापस कीजिए ये पैसा मेरे बच्चे बाई बैंक अकाउंट आप ये पैसा उनसे वापस लेंगे बैलेंसिंग फिगर ये आपका काम होगा एक सवाल आपके दिमाग में आ गया मैं जानता हूं मैं जानता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने बचपन से देखा हुआ है आपने मुझे नहीं देखा होगा बट मैं आपको जानता हूं आपके दिमाग को पढ़ता हूं ये भी खत्म हो गया आपका सवाल है कि सर ठीक है आपने कहा कि सीओसी का जब अकाउंटिंग होगा तो जो बैडेट्स हुआ था बैडेट्स हुआ था उसको आप यहां पर रिकॉर्ड मत करना क्योंकि कंसाइनर उसको बियर नहीं करेगा बट सर वो टाटा अकाउंट में तो आना चाहिए कंसाइनिक अकाउंट में तो आना चाहिए मेरे बच्चे अगर आपका ये सवाल है तो मैं बहुत 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 बड़े बदमाश हो कसम से झूठ नहीं बोलता आपको एक ही चीज बार बार समझाने के बाद भी आप गलतियां करते हो अरे ये बताओ कि ये टाटा अकाउंट कौन बना रहा है ये सीओसी बना रहा है और हमने अभी कहा कि सीओसी को जब उसने डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ कर दिया तो हम कहीं भी बैडेट्स की बात सुनेंगे ही नहीं हमारे लिए कोई क्वेश्चन में बैडेट है ही नहीं हम तो भैया जब आपसे भी हिसाब करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भैया आपने एटी थाउजेंड में सेल किया था वो पूरा पैसा लेंगे बैडेट्स के लॉस को हम नहीं बियर करने वाले हम तो पूरे एटी लेंगे आपके एक्सपेंसिज आप अपना कमीशन माइनस कर लो लेकिन बैडेट्स के लॉस को मैं माइनस नहीं करने दूंगा आपको एटी में ये माइनस करके बाकी अमाउंट पे करना होगा यही तो मतलब निकल के आता है अरे बैडेट यहां हम देते हैं तो कंसाइनी के बुक में एंट्री होगा याद है ना लिखा था स्टार्टिंग में टॉपिक्स टू बी कवर्ड दो पार्ट में में इन बुक बुक ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी कंसाइनी वो कंसाइनी के होगा और कंसाइनी के बुक में क्या होगा हम उसको अलग से देखेंगे ना आज तो हम बात कंसाइनर के बुक में कर रहे हैं जी क्यों उल्टी सीधी बातें आप कर रहे हैं हा? तो कंसाइनर के बुक में चाहे ये चाहिए दोनों कंसाइनर के बुक की एंट्री कुछ भी नहीं होगी मेरे बच्चे आप कॉपी हूं, एंड, एंड हूं और वो क्या है? लिखी मेरे साथ मैं चाहता हूं कि इसी पेज पे ताकि आपको याद रहे इसको थोड़ा सा मिटा दो क्या ए, चलो कोई बात नहीं मैं यहीं पर लिखता हूं लिखेंगे इंपोर्टेंट नोट लिखेंगे इंपोर्टेंट नोट यहां और नोट किसके ऊपर में है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ बेड एट्स बेड एट्स बेड इट्स इन द बुक ऑफ इन द बुक ऑफ इन द बुक ऑफ किसका जी कंसाइनर मेरे बच्चे आज सारी बातें हम कंसाइनर बुक में कर रहे हैं कंसाइनी की बुक में क्या होगा उसको हम अलग से देखेंगे ना अभी तो कंसाइनर के बुक में आपका क्या ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं और ये जो ट्रीटमेंट आपका है उसको दो पार्ट में इफ इफ डेल क्रिडेयर डेल क्रेडेटर कमीशन कमीशन इज अलाउड अगर डेल क्रेडेट कमीशन आपने अलाउ किया है तो फिर तो क्या करेंगे और इफ डेल क्रेडेयर अभी आएगा आगे भी क्वेश्चन जहां पर डेल क्रेडेट कमीशन हमने अलाउ नहीं किया है कमीशन इज नॉट अलाउड हमने अलाउ नहीं किया है और फिर भी फिर भी आपका बैजेट के बारे में कहेगा तो क्या करेंगे मेरे बच्चे अगर किसके बुक में कंसाइनर के बुक में अगर बैडर्स का ट्रीटमेंट पूछे जब डेल क्रेडेर कमीशन अलाउ किया गया तो हम क्या बोलेंगे नो no एंट्री कुछ नहीं करना नो एंट्री नो ट्रीटमेंट एट ऑल भूल जाना क्योंकि कंसाइनर को से कोई मतलब ही नहीं है हम आपको डेल क्रेड कमीशन दे चुके हैं लेकिन मेरे बच्चे अगर डेल क्रेडेर कमीशन अलाउड नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे मैं आपको पहले प्रैक्टिकली यहां पर समझाता हूं मान लो इसी क्वेश्चन में आप चेंज नहीं करना मैं कर रहा हूं मान लो इसी क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं होता सिर्फ होता है तो, भी भी तो फिर सीओसी क्या करेगा अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में जो लिखा था ना टू टाटा अकाउंट इसी के अंदर में उस एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड कर देगा यानी कि बैडेट्स कोई भी एक्सपेंस कोई भी लॉस जो आपका कंसाइनर बियर करेगा सीओसी बियर करेगा वो यहां पे expense में रिकॉर्ड किया जाएगा और क्योंकि मतलब नहीं कि आप लिखेंगे। आप बोलेंगे क्या? Account. कितना जी आपका 85 है ना तो 85 आपका हो जाएगा वो भी खर्च हम यहां दिखा देंगे तो एंट्री क्या बन गया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू आपका टाटा अकाउंट यानी कि अगर डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ नहीं किया गया तो हम क्या बोलेंगे ट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या जी कंसाइनी अकाउंट टू आप बोल देंगे कंसाइनी अकाउंट है ना पता इसे क्या होगा अभी मैं आपको समझा देता हूं फिलहाल लिखना आप, आप तो एक ही से जानते यार कोई भी खर्चे कंसाइनी के पास होंगे कोई भी खर्चे कंसाइनी के पास होंगे और अगर वो कंसाइनर बी करेगा तो क्या करेगा जी कंसाइनर उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेगा और कुछ भी कंसाइनी के पास होगा तो हम क्या बोलेंगे टू काम क्या। टू एंट्री हो गया। जो भी अमाउंट रहेगा यहां कोई एंट्री नहीं और यहां पर एंट्री बन जाएगा इससे इंपैक्ट यहां पे क्या होगा मैं वो भी समझाऊंगा याद रखना जो बातें समझा रहा वो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है क्वेश्चन खत्म हो चुका है मैं कह रहा हूं इसी क्वेश्चन में अगर बेडेट्स का मतलब डेलिकेटर कमीशन नहीं होता तो फिर क्या करते आ, ऐसे आगे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको समझा दू तो पता क्या होगा ये देखो आप उस केस में क्या होगा आ, यहीं पे देख लो एक्सपेंसिज कितना हो जाएगा जी ट्वेंटी और प्लस एटी मतलब एटी फाइव हंड्रेड यहां पे और एड हो जाएगा आपका

क्योंकि हमने आपको डेलग्रेड कमीशन नहीं पे किया है तो ठीक है इस एटी थाउजेंड में उस 8500 को माइनस कर लो जो डूब गया आप अपने एक्सपेंसेज भी माइनस कर लो जी आप अपना कमीशन भी माइनस कर लो बाकी पैसा जो आएगा वो मुझे वापस कर देना यही तो मतलब होता है यही तो मतलब होता है अगर डेल क्रेडिट कमीशन अलाउड नहीं हुआ है और उस केस में बैडेट आपका हो जाए तो क्या करेंगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी आपको कम से कम मैं 25 30 40 क्वेश्चन कराऊंगा अपने बुकलेट का एक ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है या आ सकता है या एग्जामिनर जहां पे सोच सकता है वो भी मैंने आपके बुक के अंदर डाला हुआ है तो आपको टेंशन नहीं करना मैं जिंदा हूं ना अभी आपके साथ क्यों टेंशन लेते हो आप है ना बस इतना मैंने समझा दिया कि डेल क्रेडिट कमीशन अगर अलाउड है तो कंसाइनर बुक में कोई एंट्री नहीं अगर डेलीकेटर कमिश्नर अलाउड नहीं है तो कंसाइनर इस एंट्री को पास करेगा और अभी अगली क्लास में हम क्या देखेंगे जी अभी तो डेलीकेटर पर बातें चलेंगी अभी आपका गुड्स गया कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा रास्ते में ही लॉस्ट हो गया आग लग गए चोरी हो गया गुड्स और कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गए चोरी हो गया क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा मार्केट पता नहीं क्या क्या होने वाला है लेकिन मैं बताऊ ना ये दो घंटे जो क्लासेज अभी गुजरी है ना बच्चे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रोंग हुआ है और विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाली क्लासेज में इसको और भी स्ट्रांग करूंगा और आप देखेंगे कि जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ रहा है आपका इंटरेस्ट और क्रिएट होते जा रहा है आपको चीजें टफ नहीं लगेंगी क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक वे में मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया आपको समझाने के लिए और अगली क्लास में एक महामंत्र दूंगा वो महामंत्र जो सिर्फ मेरे बच्चों को पता होता है आपको पता होता है जिस महामंत्र में आने के बाद टफ से टफ क्वेश्चन भी चुटकियों में जाते हो जाएगा वो क्या महामंत्र है क्या चीजें हैं अगली क्लास में इसका डिस्कशन करूंगा आप सारे प्यारे बच्चों को भोले बोले बच्चों को बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा थैंक यू बच्चों थैंक यू थैंक यू जी